लास्ट क्या था? लिखवाना ही बाकी था क्या? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तू इतने बड़ा रिस्क कैसे लेता है? तेरी इंश्योरेंस है क्या? नहीं है ना, थोड़ा संभल के। एक ही है तू मेरे। गुड मॉर्निंग भाई, आवाज आ रही है ना? तो अब लिखने पे ध्यान दे थोड़ी देर। और तू भी कभी सीकरा, एक डॉक्टर संपर्क कराता हूँ तेरा, जीवन में जरूरी है ऐसे आदमियों से मिलना भी। भूटान की रणनीतिक महत्व का प्रयोग, भूटान की रणनीतिक महत्व का प्रयोग चीन अपने हितों के लिए करना चाहता है। भूटान की रणनीतिक महत्व का प्रयोग चीन अपने हितों के लिए करना चाहता है और वह भारत विरोध की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भूटान wants to avail the benefits of strategic location of भूटान अगेंस्ट द इंडिया समय के साथ भूटान में बढ़ती कटराष्ट्रवाद की भावना ने ऐतिहासिक संधि पर विवाद खड़े किए और आंतरिक संकट को बढ़ावा दिया। द एक्सट्रीम नेशनलिज्म ऑफ भूटान leads to internal issues and question on the historical treaty made between both the nations इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने भूटान का सहयोग किया और आपत्तिपूर्ण शब्द को संधि से हटा दिया।
इंडिया सपोर्टेड भूटान, इंडिया सपोर्टेड भूटान, रिमूव द वर्ड एड एंड एडवाइज, रिमूव द वर्ड एड एंड एडवाइज फ्रॉम द ट्रीटी, फ्रॉम द ट्रीटी। भारत के अनुसार इस ऐतिहासिक दोस्ती को हमेशा शांति और खुशहाली से बढ़ाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया वी वांट्स टू प्रमोट द हिस्टोरिकल ट्रीटी विद द पीस ओनली। भूटान और चीन में सीमा विवाद है। There's a boundary dispute between China and Bhutan। चीन ने रणनीतिक हितों के लिए इस विवाद के समाधान के बदले में डोकलाम के नजदीक रणनीतिक महत्व रखने वाले भूटान ने सामरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की मांग रख दी। टू चेक एंड बैलेंस भूटान डिमांडेड टेम्पररी सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल
टेम्पररी सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। उनके अनुसार भूटान ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगा, उनके अनुसार भूटान ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगा जो भारत भूटान संबंधों को प्रभावित करे, जो भारत भूटान संबंधों को प्रभावित करे। अकॉर्डिंग टू भूटान दे विल नॉट टेक एनी डिसीजन, दे विल नॉट टेक एनी डिसीजन विच लीड्स टू द डिस्प्यूट, विच लीड्स टू द डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द नेशंस, बिटवीन इंडो भूटान, बिटवीन इंडो भूटान रिलेशंस। सरकार आलोचकों के अनुसार, सरकार आलोचकों के अनुसार भूटान चीन कार्ड नीति का प्रयोग कर रहा है, चीन कार्ड नीति का प्रयोग कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट भूटान स्टार्टेड प्लेइंग द चाइना कार्ड पॉलिसी, प्लेइंग द चाइना कार्ड पॉलिसी। परंतु विशेषज्ञों के अनुसार इस दौर के दौरान भारत ने भूटान को नजरअंदाज किया, ऐसे में महाशक्ति चीन के समांतर, महाशक्ति चीन के समांतर संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए कूटनीतिक निर्णय लिया। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग दिस फेज देर वॉज डिस्टेंस बिटवीन, देर वॉज डिस्टेंस बिटवीन इंडो भूटान रिलेशंस, इंडो भूटान रिलेशंस एंड टू मेक द बैलेंस विथ अमर्जिंग सुपर पावर चाइना, अमर्जिंग सुपर पावर चाइना, दिस डिप्लोमेटिक डिसीजन वाज मेड। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, दो हजार सात में संधि में संशोधन किया गया, और भूटान के अनुरूप इसे तब्दील किया गया। इन 2007 द ट्रीटी वाज अमेंडेड
एज पर डिमांड ऑफ भूटान नेक्स्ट इतना रक्षा संबंध डिफेंस रिलेशंस रक्षा संबंध डिफेंस रिलेशंस भूटान भारतीय सुरक्षा के लिए भूटान भारतीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व रखता है भूटान इज इंपॉर्टेंट इन द सिक्योरिटी डायमेंशन फॉर इंडिया इन द सिक्योरिटी डायमेंशन फॉर इंडिया भारत की सेना भूटान की सेना को प्रशिक्षण देती है भारत की सेना भूटान की सेना को प्रशिक्षण देती है द आर्मी ऑफ इंडिया लीड्स टू ट्रेनिंग ऑफ भूटान आर्मी लीड्स टू ट्रेनिंग ऑफ भूटान आर्मी भूटान की सरकार भी भारतीय सुरक्षा के लिए नियमित सहयोगी रहती है नियमित सहयोगी रहती है द गवर्नमेंट ऑफ भूटान इज ऑल्सो सपोर्टिव टू इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज भारत भूटान सीमा की सुरक्षा एसएसबी करती है एसएसबी सिक्योर इंडो भूटान बॉर्डर 2003-04 में ऑपरेशन ऑल क्लियर ऑपरेशन ऑल आउट भूटान की जमीन पर संचालित किया In 2003-04 ऑपरेशन ऑल क्लियर In 2014-15 ऑपरेशन ऑल आउट वाज कंडक्टेड ऑन द लैंड ऑफ भूटान नेक्स्ट इतना आर्थिक संबंध इकोनॉमिक रिलेशंस आर्थिक संबंध
भारत सरकार ने, भारत सरकार ने भूटान की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना को भूटान की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना को सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता दी। इंडिया फाइनेंस्ड द फर्स्ट एंड द सेकेंड फाइव ईयर प्लान, द फर्स्ट एंड द सेकेंड फाइव ईयर प्लान ऑफ भूटान, ऑफ भूटान। इसके बाद आवश्यकताओं के अनुसार, इसके बाद आवश्यकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय सहायता दी गई। आवश्यकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय सहायता दी गई। आफ्टर दैट इंडिया फाइनेंस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइव ईयर प्लान्स आधारभूत संरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश किया है, आधारभूत संरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया इन्वेस्टेड अ लोट अमाउंट दो हजार सात में केरोसिन और गैस की सब्सिडी की नीति में बदलाव किया गया। इन 2007 द पॉलिसी रिलेटेड टू सब्सिडी of the kerosene and gas was amended. हाल ही में सरकार ने 10,000 मेगावाट बिजली परियोजना की शुरुआत, भूटान में की है। जो 2020 से संचालित होगी। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड 10,000 megawatt electricity generation plant which will work from 2020. यह भूटान की अर्थव्यवस्था में राजस्व और रोजगार को बढ़ावा देगा। इट विल प्रमोट द रिवेन्यू एंड द एम्प्लॉयमेंट इन द भूटान इकोनॉमी
नेक्स्ट हेडिंग ना वर्तमान संबंध, करंट रिलेशंस, वर्तमान संबंध। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा, अपने कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा भूटान की रखी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड फर्स्ट टू भूटान, इन द टूर्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, इन द टूर्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। इस यात्रा के माध्यम से ऐतिहासिक संबंधों को, इस यात्रा के माध्यम से ऐतिहासिक संबंधों को और बढ़ावा मिला। द विजिट प्रमोटेड दिस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मोर बिटवीन बोथ द नेशंस, मोर बिटवीन बोथ द नेशंस। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूटान को प्राकृतिक चिन्ह का दर्जा दिया, भूटान को प्राकृतिक चिन्ह का दर्जा दिया। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, भूटान इज अ नेचुरल चॉइस। इन द इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर इंडिया, गुजराल सिद्धांत के तहत प्रधानमंत्री ने भूटान में सूचना प्रौद्योगिक डिजिटल सेक्टर आदि को विकसित करने का वादा किया। As per Gujarat doctrine, Prime Minister assured the development of information technology, digital sector
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भूटान में सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया। भूटान में सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया जिसके निर्माण में 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार ने दी है इंडिया आज एक्सटर्नल मिनिस्टर सुषमा स्वराज इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ भूटान विच वॉज फाइनेंस्ड एंड डेवलप्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट इस यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और चीन को लेकर रणनीतिक वार्ता हुई ड्यूरिंग दिस विजिट देर वर स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन बोथ द नेशंस ओवर चाइना एंड द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कोई डाउट हो तो पूछो भाई। एक बार जरा सिलेबस निकालो जो पहले दिन लिखवाया था। और जो बाद में आए भाई आसपास से सिलेबस लेकर लिखना ना। मैंने कहा था एक जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, वास्ट का मतलब क्या है कि सिलेबस लिमिटेड नहीं है, हर दिन सिलेबस बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये जो बढ़ता जाता है ये आपको बेसिकली क्या है कि न्यूज़पेपर से जोड़ना होता है। जो जो टीचर यहाँ आता होगा या गूगल सर्च मारोगे या कहीं भी किसी से पूछोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या कहता है कि आईएएस और आरएएस की एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि क्या पढ़ा जाए ना, ये जरूरी है कि किसे छोड़ना है। क्लियर है? रीजन क्या है कि आईआर का मतलब है सन 1947 से लेकर 2018 तक की सारी घटनाएं जो पूरी दुनिया में हुई हैं उनको आपको समझना है, और समझ कर क्या करना है यह देखना है कि 2019 में मैं कलेक्टर बनूंगा तो मुझसे जो चीज पूछी जाएगी वो 2018 और 19 के बीच की क्या पूछी जाएगी, समस्या। क्लियर है? और ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान मैं कैसे कर पाऊंगा इस पर मुझे अपने विचार रखने हैं, और विचार किस परीक्षा में होंगे, मुख्य परीक्षा में। क्लियर है? लेकिन आप विचार कब रख पाओगे, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं साथ में आपकी राय में क्या होना चाहिए ना, तो लगता तो है कि इसका आंसर जल्दी लिख दोगे ना,
लेकिन घर जाने के बाद दो लाइन भी नहीं लिख पाते होंगे, है ना, क्योंकि बात यह है कि आपके विचार पूछे जो आपके पास है नहीं ना? तो किसी भी चीज पर जब बात विचारों की होती है तो विकसित होती है जब उस चीज की हमारे अंदर क्या हो, समझ हो। क्लियर है? जैसे सपोज करो अभी मैं आपको ये कहूं कि कल के अखबार में तुम एक छोटी सी चीज पढ़ोगे कि उत्तरी कोरिया ने वादा किया था कि परमाणु निशस्त्रीकरण कर देंगे, यही किया था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर देंगे, लेकिन कल के न्यूज़पेपर में एक छोटी सी चीज पड़ी होगी कि दुनिया की इंटेलिजेंस ने, है ना, और सैटेलाइट्स ने कुछ फोटो खींची हैं जो ये साबित करती है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा दिया है किसने, नॉर्थ कोरिया ने। क्लियर है? अब जरा देखो क्या है, कहानी तो किसकी है, दुनिया की है ना। नॉर्थ कोरिया का कलेक्टर बनना है कि भारत का, भारत का। अब इस नॉर्थ कोरिया का प्रभाव भारत पर क्या हो सकता है, पहले तो यह समझना होगा। और इस नॉर्थ कोरिया की अगर तुम्हारे अंदर समझ नहीं है तो मैं डायरेक्ट तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उत्तरी कोरिया का किया गया वैश्विक वादा वैश्विक विश्वास के दृष्टिकोण में नहीं है, स्पष्ट कीजिए, तो कर पाओगे? नहीं संभव है। ठीक है, इसके लिए फिर किसकी समझ होनी चाहिए, इस उत्तरी कोरिया की। तो देखो क्या है कि 1947 से लेकर 2017 तक की जो जो कहानियां पढ़ रहे हो, ठीक है, इन कहानियों से जो चीज डेवलप होगी वो केवल क्या है, समझ। और ये जो समझ है ये बेसिकली पूछ लेता है किसमें, प्री में। जैसे अभी आईएएस मेंस होगी तो इस मेंस में देखना 100% सवाल होगा किससे, उत्तरी कोरिया से। ठीक है, और दुनिया की सबसे आसान एग्जाम इसीलिए कही जाती है कि क्वेश्चंस तो पहले से ही पता होता है, बस चुनौती यह है कि आंसर आता नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सारी दुनिया को पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इवन कि जब आगे पढ़ोगे तो बुकलेट के साथ क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि इतना नंबर के क्वेश्चन में इस टॉपिक का नंबर आएगा। क्लियर है? आप पुराना पेपर उठाकर देखना कि एनालिसिस करोगे कि 17 नंबर क्वेश्चन आईआर के परस्पेक्टिव होता है तो 17 आईआर का ही होगा, ये यूपीएससी का ट्रेंड है। ठीक है, बात आरपीएससी की नहीं कर रहा हूं, वो एग्जाम करा दे तो ही चुनौती है। ठीक है, केवल यूपीएससी की बात कर रहा हूं ना? आप जरा देखो, जब सब कुछ पहले से ही पता है उसके बाद आपको केवल क्या करना है, चीजों को अपडेट करना है। शुरुआत से होता क्या जाएगा कि पहली सब्जेक्ट पढ़ी थी तो शायद 6 या 7 दिन चली थी मेरे हिसाब से, उसको पढ़ा था तो मन के अंदर एक शांति थी कि आराम से कर लोगे, यही था। उसके बाद दूसरी पढ़ी वो शायद 20-21 दिन चली थी, ऐसा ही था। और अब इसको पढ़ोगे तो लमसम 45-50 दिन चलेगी, है ना। ये पूरी होने के बाद क्या है कि जब पहले वाली उठाकर देखोगे तो ऐसा लगेगा कहीं सुना तो था कि ऐसा विषय होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है ये पता नहीं है ना। तो कारण क्या है कि मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं, अब तुम्हें क्या करना है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही तुम जानो कि अर्थशास्त्र क्या होती है, या तुम आज ही अखबार में पढ़ोगे कि सपोज करो कि भारत में समृद्धि दर तो बढ़ रही है परंतु भारत में विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो मैं आज तुमसे उम्मीद नहीं करता हूं कि समृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस पता हो। क्लियर है? लेकिन जिस दिन इस विषय को पढ़ लो तब तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, समझ। तो इसका मतलब अभी तक तुमने एक टॉपिक पढ़ा, नाम क्या है, साउथ एशिया, और इस आईआर की कुछ बेसिक चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई होंगी कि आईआर हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में टोटल कितने राष्ट्र हैं, 8 राष्ट्र, इन 8 में से एक तो हम खुद हैं और 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो 7 पड़ोसियों की क्या क्या इतिहास है, क्या क्या कहानी है, और इनके साथ हमारे किस तरीके के संबंध है, इस पर एक रूपरेखा, या आप ये कह सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्या हो चुकी है, डेवलप। अब आपको क्या करना है कि आज के बाद याद रखना ये 50% वेटेज रखता है, आगे जो पढ़ोगे वो सिलेबस लंबा है पर इंपोर्टेंस उसकी 50% से कम है, लेकिन 50% सवाल जिससे होंगे वो किससे होंगे, साउथ एशिया से। एक तो आपके जीएस पेपर 1 में और दूसरा किस में, जीएस पेपर 2 में। 1 में तो क्या होंगे कि 47 से लेकर 17 तक की कहानियां, और 2 में क्या होंगे, 17 और 18 के बीच की कहानियां। क्लियर है? तो क्या देखना है कि इन 7 राष्ट्रों से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज अगर आती है, ठीक है, कोई भी न्यूज, तो आपको उस न्यूज को एनालिसिस करना है और आपको जोड़ना है कि जो आपने पढ़ा था उसी के समांतर कुछ चल रहा है कि उससे अलग कुछ चल रहा है। अलग का मतलब क्या है कि तुमने अभी ये पढ़ा,
कि जो मालदीव की सरकार है, जो मालदीव की सरकार है उसके साथ संबंध सहयोग के हैं कि विवाद के हैं? विवाद के हैं। अचानक सहयोग बनने लगे तो फिर आपको समझना होगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। क्लियर है? एक एक चीज की आइडियोलॉजी डेवलप करनी है। कल के अखबार में पढ़ोगे, भारतीय सेना के अध्यक्ष ने कहा कि यूएनओ में भारतीय सेना के खिलाफ मानवाधिकार के हनन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है कश्मीर को लेकर, यह तो केवल दिखावे की राजनीति है, यह प्रभावित या प्रायोजित, एक शब्द काम लिया है। अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि ये तो प्रायोजित रिपोर्ट है, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम राष्ट्र अपने आप निपट लेंगे। यही सेना अध्यक्ष आज से 4 साल पहले बोलने की हैसियत नहीं रखता था, आज अचानक यूएनओ की रिपोर्ट पर भी अगर सवाल खड़े करते हैं तो इसका मतलब है इस वैश्विक मंच पर भी हमारा प्रभाव कम है कि ज्यादा। तो बस थोड़े थोड़े आइडिया इस तरीके से डेवलप होने चाहिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो होता क्या है, आपको मैं 10 किताब दूं, इन 10 किताबों को रटने के लिए कहूं और फिर कहूं कि इसमें से सवाल आएंगे, तुम्हें लग रहा होगा आसान है ना, यही लग रहा होगा, पर एक टेस्ट तो दे ही चुके हो प्री का ना, किसी के -7 किसी के -8 है ना, और पहले से ही बताए थे कि 9 चैप्टर होंगे ना, इन्हीं 9 चैप्टरों में से क्वेश्चन आएंगे। आप सोचो उसके बावजूद नंबर कितने हैं, -7 -8। रीजन क्या है कि रटते जो तुम हो वो हो सकता है 2 दिन याद रहे, 3 दिन याद रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि 12 महीने तुम याद रख पाओ, ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये मत समझना कि सर फैक्चुअल चीजें क्या होती हैं, क्योंकि देखो बहुत से लोग क्या है संवेदनशील होते हैं और जब तैयारियों की बात करते हैं तो रटते क्या है, पहले तो कि ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003-04, ऑपरेशन ऑल आउट 2014-15, ठीक है। अब इसको रटने पर बैठोगे तो क्या होगा कि बार बार इसको याद करने की कोशिश करोगे तो एक आधा ऊपर नीचे कर दोगे, और एग्जाम जब आएगी तो ऑल आउट 3-4 हो जाएगा और ऑल क्लियर 14-15 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो तुमसे भी तुम्हें भी ऑल क्लियर कर देंगे, याद रखना ना। ये चीजें क्या होती है अपने आप डेवलप हो जाती है, अपने आप का मतलब तुम खुद सोचो, जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो आसानी से बता देता है तो तुम्हें भी याद होंगी, तुम्हारे अंदर भी दिमाग है, पर रीजन क्या है कि तुम इनको रटने की जगह चीजों को समझने की कोशिश करना, एक भी फैक्चुअल चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्जाम देने से पहले इन मुद्दों पर चर्चा होगी या उन मुद्दों को अपन रिवाइज करेंगे कि भाई क्या होता है 3-4 या क्या 14-15 है, लेकिन तब तक तो केवल कहानियों को समझो, याद करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, और जितना समझोगे उसको जोड़ लो किससे, न्यूज़पेपर से। अब एक चीज देखो, मैंने क्या कहा कि साउथ एशिया में 7 राष्ट्र हैं, 7 में से 3 या 2 पर सवाल आएंगे 100%, और क्या कह रहा हूं कि जहां सहयोग होता है वहां सवाल नहीं आता, जहां समस्या होती है वहीं सवाल आता है, ठीक है। तो इस जून 2018 से लिख लो अगली जून तक जो जो मुद्दे रहते हैं 7 राष्ट्रों के बीच में, क्लियर है। अब सपोज करो कि इन 7 में कैसे ट्रेंड को पकड़ोगे कि 6 के साथ विवाद कम है कि चलते रहते हैं। इन 6 में से एक अचानक ऐसा है श्रीलंका जिसके साथ विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कहां से होगा, श्रीलंका से। लेकिन एग्जाम देने से 2 महीने पहले एक झटका हुआ और वो झटका यह है कि भूटान के साथ भारत के संबंध बिगड़ गए, तो मानकर चलो कोई श्रीलंका से नहीं पूछेगा, 100% किससे पूछेगा, भूटान से। कारण क्या है कि आज तक ऐतिहासिक दोस्ती रही है और अचानक इसमें तब्दील हो गए हैं विवाद में, तो फिक्स सवाल होता है, केवल आपको करंट परस्पेक्टिव चीजों को समझने की क्या है आवश्यकता। कोई दिक्कत यहां तक हो तो पूछो। तो देखो जो सिलेबस बताया था कि मैंने कहा था इस IR को हमें 2 भागों में विभाजित करना है, एक जो बताया वो तो क्या था, कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, एक बी नंबर लगाकर लिखवाया था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, यही बताया था, ठीक है, और जो दूसरा बताया था वो क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व, ठीक है। जब बात समकालीन विश्व की करोगे तो लमसम 50% से भी कम वेटेज है, ठीक है, और केवल पूछता है GS पेपर 3rd में। बात इंडिया और वर्ल्ड की करोगे तो 50% से भी अधिक वेटेज है और पूछेगा GS 1 में और GS 2 में, क्लियर है। अब जरा देखो, इंडिया और वर्ल्ड में
एक चीज तो मैंने क्या कही थी, भारत और विश्व में क्या याद करनी है, भारतीय विदेश नीति, क्लियर है। और विदेश नीति में किन किन पॉइंटों पर चर्चा करोगे कि किस तरीके से तो विदेश नीति बनी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। और एक अंतिम जो याद रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो क्या कहलाएगी, मोदी पॉलिसी। एक चीज और होती है कि जिन बच्चों ने 2005 से लेकर 2014 तक एग्जाम दी होगी, उनके लिए इस सब्जेक्ट की उपयोगिता कम थी, क्योंकि इसमें बदलाव बहुत कम हुए थे और जो वर्तमान उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उसने ना तो कोई विशेष यात्राएं की थी या फिर कोई एक केंद्रित नीति होती है ना कि राष्ट्र का विकास करना है या हितों को सुनिश्चित करना, ऐसी कोई संभावना नहीं थी। जितनी यात्राएं उन 10 साल में हुई, उससे कई गुना तो इस आदमी ने 2 साल में ही कर दी है, ठीक है। और जिस जिस राष्ट्र में हमारा हित है, उन सभी राष्ट्रों में तो तुम्हारे लिए सारा सिलेबस ही क्या होगा, यही वाला, क्लियर है। इससे पहले की कहानियों पर बहुत कम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सारे सवाल कहां से पूछे जाएंगे, यहीं से, क्योंकि इसने खुद इतना सिलेबस डेवलप कर दिया है कि कहानियां ही बदल गई हैं, कि जिनके साथ आज तक नक्शे में संबंध बनाना तो दूर, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था उनके साथ भी संबंध बनाए हैं इस आदमी ने। तो सारा सिलेबस क्या हो जाएगा यहां से। तो एक तो क्या पढ़ना है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और जो दूसरा बताया था वो क्या है कि इंडिया और नाइबर कंट्रीज, भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र, क्लियर है। तो पड़ोसियों में हमने 2 छोड़ दिए हैं, एक तो म्यांमार छोड़ दिया और दूसरा कौन छोड़ दिया है, चीन। कारण क्या है, ये दोनों किसके भाग नहीं है, दक्षिण एशिया के। अब बात भाग की नहीं है, यहां अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो ये समझ नहीं आएंगे जब तक क्या नहीं पढ़ोगे, कंटेम्पररी वर्ल्ड। यूं एक सिलेबस फॉर्मेलिटी के लिए तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, 2 आगे लगाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बाकी पढ़ते आए हो ऐसे ही पढ़ लोगे, पर ये हमारे लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं वैश्विक दृष्टिकोण में। तो जब विश्व की समझ होगी तब भी इन चीजों को हम लोग समझ पाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। और एक टॉपिक और बताया था जो मैंने कहा था केवल आईएएस के अंदर है, उसका नाम क्या है, इंडियन डायोस्पोरा। ये केवल आईएएस के अंदर है, ये आरएस में नहीं है, लमसम 30-35 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। सवाल की संभावनाएं कम होती हैं पर सिलेबस का भाग है, इसलिए पढ़ना है। इसके अलावा कुछ थोड़ी बताया है। और ये जो नए आए हैं, इस सिलेबस को लिखना भाई, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, एक सेगमेंट तो ये तुमने कर लिया, या तो किसी दूसरी सब्जेक्ट को शुरू कर लो या फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। फर्क इतना है कि इसको कंटिन्यू करोगे तो थोड़ी सी समझ को क्या है और डेवलप करना पड़ेगा, ये और थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है। तो अभी तक का तुम्हारा अनुभव क्या कहता है वही बता दो, समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो प्लस पॉइंट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो अखबार पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, शायद बढ़ भी गया होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। और जब पूरी पढ़ लोगे तो पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी कहानियां इन्हीं में होती है। अब जो तुम ढूंढते हो कि पहले सिकर पत्रिका ना, कौन किसके साथ गायब हो गया, कौन सा दुर्घटना कहाँ हुई है ना, इनको छोड़कर है ना, ये जो वर्ल्ड विंडो आती है, ये सब छोटी छोटी चीजें आती है। जैसे कल का न्यूज पेपर पढ़ोगे, अब आदत ऐसी है कि आपको एक बार जब लग जाएगी तो पूरे न्यूज पेपर में अपने आप नजर आ जाएंगी। जैसे छोटा सा सेगमेंट था कि इराक को आज ही के दिन 15 महीने बाद अमेरिकियों ने सत्ता वापस सौंप दी थी, ठीक है। उसको पूरा ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ था कि इस दिन अंतरिम सरकार बनाई गई, इराक अमेरिकियों ने कब्जा किया। अब वहां से हो सकता है पूरी सूचनाएं नहीं मिलेंगी, मैं आज भी कह रहा हूं, ये केवल चेतना विकसित करते हैं। चेतना का मतलब क्या है कि जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी इच्छा होगी कि अच्छा ये मुद्दा कौन सा है। अब जरा देखो क्या है, आज तक कौन इराक कौन सद्दाम कोई संबंध ही नहीं था, ठीक है। इराक और सद्दाम तो तुम्हारे से पहले वालों ने पढ़े, पूरी दुनिया ने भी पढ़े, पर तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ना तुम इराक जानते हो ना ही सद्दाम जानते हो। जिस दिन इराक सद्दाम जानने लगोगे तो देखो अपने आप उस न्यूज को पढ़ने की इच्छा होगी, क्योंकि वो समझ में आना क्या होगी, शुरू होगी। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको किसी भी न्यूज पेपर को जब या किसी भी किताब को पढ़ते हो तो यूं नहीं मानना है कि जो उसने लिखा वही सत्य है। आप पढ़ चुके हो, आपको खुद पर विश्वास रखना है कि जो आपने पढ़ा है और जो सीखने की कोशिश की है वो ज्यादा सही है।
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गूगल सर्च करो, क्योंकि देखो विश्वास करने की किसी पर जरूरत नहीं है, पर दिक्कत क्या है कि मैंने यहां कुछ बताया, तुमने यहां से कुछ पढ़ा। जैसे कल परसों एक किताब थी, ठीक है, तो किताब देखते ही मैंने कह दिया था, एक लड़की लेके आई थी, कि वो किताब सही नहीं है तुम्हारे अनुसार, ठीक है, रीजन क्या है तुम जानते नहीं हो। जैसे नाम सुना होगा पुष्पेश पंत, जेएनयू का प्रोफेसर है ना, पुष्पेश पंत नाम सुना है ना, या आईआर का विशेषज्ञ है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एंटी गवर्नमेंट है ना, और सरकार की केवल आलोचनाएं करता है, मतलब खुद इस तरीके से बातों को बताता है कि जैसे खुद ही प्रधानमंत्री हो, खुद ही सारी चीजों को जानता हो, क्या सही है क्या नहीं है। अब आप देखो, हो सकता है मैंने क्या कहा कि यहां जितने भी लोग खड़े होंगे वो क्या होंगे कि कुछ मोदी से सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे, पर तुम्हारे और हमारे बीच में फर्क क्या है कि मेरी खुद की निजी राय क्या कहती है, इससे तुम्हारे को प्रभावित नहीं करना है। हो सकता है मैं तो दुश्मन हूं मोदी का, हो सकता है कि बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन इससे क्या है कि तुम्हारे हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। अब उस किताब में लिखा था कि चिकन ने क्या है जम्मू कश्मीर के उड़ी क्षेत्र को कहते हैं, है ना, तो इस तरीके की चीजों पर अब तुम तुरंत क्या सोचोगे कि अच्छा किताब में लिखा है तो सही लिखा होगा, तो वो किसने लिखी है? ऐसा तो है नहीं भगवान विष्णु का साक्षात अवतार आया था और उसने लिखी है, है ना, वो भी किसी इंसान ने लिखी है, और हो सकता है कि अपनी निजी विचार भी लिख दियो। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ते हो, एक तो याद रखना कि जब भी गूगल सर्च मारते हो विकिपीडिया ऑथेंटिक नहीं है, क्लियर है, उस पर कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी सूचना हो, अगर वहां से उतारते हो तो 100% गलत है, ठीक है। कोशिश करो जितनी ज्यादा सरकार की वेबसाइट मिल जाए वही सही है, वो ना मिले तो उसको छोड़कर और कोई भी वेबसाइट हो आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक गूगल ऐसी जगह है जो सर्च मारोगे मिलेगा, उल्टा सीधा कुछ भी लिखो आपको मिलेगा, आप आदि सर्च कर लेना बम बनाने की प्रक्रिया वो भी मिलेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आपके पास में है, किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को वहां से सीखने की कोशिश करो, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी मुश्किल भी लगेगी, क्योंकि ये तो क्या था कि हर दिन एक नया राष्ट्र शुरू होता था तो नई कहानी शुरू होती थी, ठीक है। अब जो पढ़ोगे इसमें लमसम 15-16 दिन लगेंगे, और इस 15-16 दिन के दौरान क्या होगा कि जिसने पहली क्लास ज्वाइन की उसको दूसरी समझ आएगी, जिसने दूसरी की उसको तीसरी समझ आएगी, और जिसने एक बीच में गायब कर दी वो 2-3 दिन क्या है कि उदास देवदास बनकर ही रहेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगी, क्लियर है, क्योंकि एक दूसरे का इंटरलिंक्ड होता है और इस इंटरलिंक को ही हमें समझना है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर शुरू करते हैं। कोई डाउट यहां तक कि साउथ एशिया में हो किसी को तो पूछो भाई।
हटा दूं? देख लो अभी तो तुम्हारी इच्छा हो तो। ये आवाज आ रही है भाई गंगानगर? देखो जो एनसीईआरटी पढ़ी थी है ना, सब कुछ उसी जैसा है। थोड़ा सा समझने में अगर याद हो वो कहानियां तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण में हम विश्व को देखें, कंटेम्पररी वर्ल्ड का मतलब होता है कि पूरे विश्व की समझ होनी चाहिए, और विश्व में 193 राष्ट्र हैं तो एक एक को तो पढ़ने से संभव नहीं है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है कि 193 के वो मुद्दे जो किसको प्रभावित करते हो, भारत को, क्लियर है। तो जो दुनिया की कहानी और पूरी दुनिया की समझ हो जाए वह जरूरी है ना। आज तक सीकर से बाहर कहीं घूमे नहीं हो ना, फ्री में पूरी दुनिया घुमा रहा हूं, ठीक है। तो चीजों को समझने की कोशिश करना है ना। अब जरा देखो क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ कब? 1945 में। नहीं भी जानते हो तो एक सिलेबस और है, नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। जब वो पढ़ोगे तो डिटेल में डिस्कशन होगा ना। इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक घटना होती है, वो ये होती है कि दूसरे विश्व युद्ध तक दुनिया में जो ताकत होती है उसका एक का नाम होता है ब्रिटेन, दूसरी का नाम होता है जर्मनी, तीसरी का नाम होता है कोई जापान, इस तरीके के राष्ट्र, क्लियर है। और जो उस दौरान जिनकी शक्तियां कम थी उनमें से एक था अमेरिका, और जो दूसरा था वो कौन था? सोवियत संघ, क्लियर है। शक्ति कम का तात्पर्य क्या है कि जैसे होता है युद्ध के जो हीरो थे वो ये राष्ट्र थे, ये बैकडोर वाले थे, ठीक है, जो पीछे से थोड़ा बहुत खेल खेलते थे ना। ऐसे में इस युद्ध के दौरान काफी नरसंहार हुआ और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। तो नुकसान किनको उठाना पड़ा? इन राष्ट्रों को। और इतना तो सुना ही होगा या आगे पढ़ोगे कि 1945 में जापान पे बम गिराने के बाद इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, क्योंकि जापान आक्रामक होता जा रहा था, क्लियर है। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी दो नाम आए होंगे, एक लिटिल बॉय और दूसरे का नाम क्या था? फेटमैन। दो परमाणु बम गिराए गए और बम गिराने के बाद जापान क्या हुआ? कमजोर पड़ा, क्लियर है। अब जरा देखो क्या है, इसे अमेरिका और सोवियत संघ की उत्पत्ति कब हुई? 1945 में। अब ये चैन था या मौका था कि जो दुनिया संचालित करेंगे 1945 में, उनमें से या तो अमेरिका होगा और या फिर कौन होगा? सोवियत संघ। और ये जो दुनिया है इसके लिए आप क्या करना होता है? अपने वर्चस्व को कायम करना होता है। वर्चस्व कायम होता हमेशा किसके माध्यम से? शक्ति के माध्यम से। और ये जो शक्ति होती है इसका पहला सिद्धांत होता है वैचारिक शक्ति। कौन सी शक्ति होती है? वैचारिक शक्ति, यानी अपने विचारों से प्रभावित कर दुनिया को अपने पक्ष में ले लेना, ये कौन सी शक्ति हो गई? मोरल पावर, वैचारिक शक्ति। और जब ये काम ना दे तो फिर अगली शक्ति का इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति, क्लियर है। दुनिया में वर्तमान की कहानी अलग है, वर्तमान में सबसे बड़ा नियंत्रण किस शक्ति का है? आर्थिक शक्ति का। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसके पास उतनी ही सेना होगी, उसके पास उतनी ही वैचारिक शक्ति होगी। पर 1945 में वैचारिक शक्ति का महत्व क्या था? ज्यादा था। और हुआ ये कि दुनिया में एक तो होती है सुपर पावर, दूसरी होती है ग्रेट पावर, तीसरी होती है नेशनल पावर, और एक होती है पावरलेस, क्लियर है। सुपर पावर का मतलब होता है कि दुनिया का वो राष्ट्र जो पूरी विश्व पर शासन करे उसको हम क्या कह सकते हैं? महाशक्ति, क्लियर है। यानी जो पूरे विश्व पर शासन करे, पूरे विश्व के निर्णय उस राष्ट्र के अनुसार हों, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर पावर। और ग्रेट पावर क्या होता है? कि दुनिया का वो राष्ट्र जो एक महाद्वीप पर शासन करता हो, जैसे एशिया पर चीन करता है, ठीक है, अफ्रीका पर कोई ब्राजील करता है, ये सब क्या कि दुनिया के किसी एक क्षेत्र पर करने वाला नेशनल पावर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसका तात्पर्य होता है
एक उपमहाद्वीप पर, जैसे दक्षिण एशिया पर भारत करता है, क्लियर है? तो जरा देखो क्या है कि दोनों राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा चली कि विश्व उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, और दोनों की विचारधारा जो थी वो अलग अलग थी। एक था अमेरिका और दूसरा कौन था? सोवियत संघ। आज कहानी पढ़ते हैं, कल सिलेबस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या शुरुआत होती है। कुछ शब्द हैं जो आगे चलकर या इतने दिनों तक परेशान कर रहे होंगे कि जो अमेरिका है ये पूंजीवाद का समर्थक था। किसका समर्थक था? पूंजीवाद का। और ये जो सोवियत संघ है ये क्या है? समाजवाद का समर्थक था। क्लियर है? ये वो शब्द हैं जो बार बार सिलेबस में पढ़ोगे, क्योंकि सारी कहानी इन्हीं के आसपास घूमती रहती है। पूंजीवाद का तात्पर्य होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो या जितने भी संसाधन होते हैं वो निजी क्षेत्रों के हाथ में होते हैं। क्लियर है? यानी इस राष्ट्र में किस चीज का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, कौन करेगा, इन सब का निर्णय कौन सा सेक्टर लेता है? प्राइवेट सेक्टर। और ये जो निजी क्षेत्र होता है ये हमेशा किसके लिए काम करता है? लाभ के लिए। क्लियर है? पर इस निजी क्षेत्र का एक फायदा होता है, इस निजी क्षेत्र में हमेशा संसाधनों का सदुपयोग होता है। क्या होता है? सदुपयोग, है ना? कभी गन्ने के रस को निकालने वाले को देखना, ना आखिरी समय तक उसको मशीन में देता रहता है, उम्मीद होती है कि दो बूंद और निकलेंगी और इस दो बूंद से सारा ग्लास भर जाएगा, यही है। पर पैसा लगा अगले का, इसलिए करता है। और यही गन्ना के रस निकालने वाला सरकारी आदमी होता तो ना, दो बार तो दूर की बात है, एक बार में ही जितना निकलता ठीक और फेंक देता, है ना? कभी देखना कि पीएनबी बैंक, आप देखने की जरूरत ही कहाँ है, नीचे ही देख लेना, है ना? गेट से उतरते हो तो एक एटीएम है, देखा होगा, है ना? मुश्किल से शायद 6x6 का होगा, वो भी शायद ही है ना? यानी 6x6 के कमरे में गौर से देखना, 3 AC लगी है, है ना? कितनी AC लगी है? 3, है ना? एटीएम में आदमी सोने आता है कि पैसा निकालने, है ना? सुविधा के लिए हो सकता है एक लगाई हो, 3 AC 6x6 के कमरे में लगाने का कारण क्या है? पैसा किसका है? सरकार का, है ना? तो ये दुरुपयोग करते हैं। और यही HDFC देखना, ICICI देखना, जो 6x6 का होगा तो 1 मिलेगा, और हो सकता है आधों में तो मिले भी ना, क्योंकि उनको मानना है कि यहाँ केवल लाभ के लिए काम होता है। तो निजी क्षेत्र हमेशा संसाधनों का बेहतर प्रयोग करता है, याद रखना इस चीज का। क्लियर है? जरा देखो क्या है बात, समाजवाद की करोगे तो उत्पादन के वितरण के, यानी क्या सामान बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, इन सब का निर्णय जो लेती है उसको हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। क्लियर है? और सरकार हमेशा किसके लिए काम करती है? कल्याण के लिए। तो जरा देखो कि लाभ के लिए काम होना चाहिए कि कल्याण के लिए, तो जवाब होगा क्या? कल्याण के लिए। पर यहां संसाधनों का क्या होता है? दुरुपयोग होता है। ये दो बेसिक विचारधारा है, दोनों समान है कि एक दूसरे के विपरीत है? विपरीत है। क्लियर है यहां तक? अब जरा देखो, जब दोनों की वैचारिक शक्तियां अलग अलग हैं, तो अमेरिका तो चाहता है कि दुनिया में क्या हो, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब समझोगे तो ही आगे की कहानी समझ आएगी कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, पूंजीवाद वाली होनी चाहिए। और सोवियत संघ क्या कहता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, सोशलिज्म, समाजवाद वाली होनी चाहिए। क्लियर है? ये दोनों का फर्क तो जानते हो। अब जरा देखो, अमेरिका क्या चाहता है कि लिबरल आइडियोलॉजी का है, लिबरल का मतलब स्वतंत्र व्यक्तियों को चाहता है, जिसमें मानव अधिकारों का सम्मान हो, लोगों को अधिकार हो, सिटीजन राइट्स हो, और डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। क्लियर है? लिबरल आइडियोलॉजी का मतलब तुम क्या करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर हो, सरकार ना थोपे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आगे पढ़ोगे, इस चीन के अंदर बच्चे कितने पैदा करने हैं कौन बताती है? चीन की सरकार। कब क्या बोलना है कौन बताती है? चीन की सरकार। कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है कौन बताती है? चीन की सरकार। तो जीवन भी फिर कौन चलाती है? चीन की सरकार, है ना? तो वहां के लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं है। और समाजवाद क्या कहता है कि लिबरल आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, मानवाधिकार जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं, और नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सरकार ऐसी होती है वही वास्तविक निर्णय ले सकती है, किसके लिए? जनता के लिए। जनता को नहीं पता क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो विचारधारा सेम है कि अलग अलग है?
अलग अलग है, यहां तक की कहानी है। जरा देखो क्या है, एक तो कह रहा है दुनिया मैं चलाना चाहता हूं, दूसरा कह रहा है मैं चलाना चाहता हूं। दोनों के बीच में वैचारिक प्रतिस्पर्धा होगी और दुनिया चलाने के लिए दोनों अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शक्ति का सिद्धांत कौन सा बताया मैंने? वैचारिक। क्लियर है? मैं आपको अपनी विचारधारा बताऊंगा और मेरा जो प्रतिद्वंदी है, जो कंपटीटर है, वो अपनी बताएगा, और जब हम दोनों मिलकर आपको बता रहे हैं तो आप में से कुछ मेरे पक्ष में हो जाओगे और कुछ किसके पक्ष में हो जाओगे? उसके पक्ष में। जब वैचारिक शक्ति की प्रयोग हुआ तो दुनिया दो धड़लों में बट गई, एक का नाम प्रथम विश्व दिया गया और दूसरे का नाम दूसरा विश्व दिया गया। क्लियर है? एक छोटी सी चीज और याद रखना, उस किताब में ही पढ़ी होगी, आज वो किताब पूरी समझ आ जाएगी। एक शब्द होता है यूनिपोलर, एक ध्रुवी, दूसरा शब्द होता है बाईपोलर, दो ध्रुवी, तीसरा शब्द होता है मल्टीपोलर, बहुध्रुवी, और चौथा शब्द होता है नॉन पोलर, गैर ध्रुवी। एक ध्रुवी का मतलब होता है कि जब दुनिया को एक राष्ट्र चलाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक ध्रुवी। जब दुनिया को दो राष्ट्र चलाएं, दो ध्रुवी। दुनिया में 5-7 राष्ट्र मिलकर चलाएं, बहुध्रुवी। और दुनिया में सब अपने आप में राजा हैं, सब दुनिया चलाएं, वो क्या हो गया? गैर ध्रुवी। दुनिया में शांति कब स्थापित होगी? जब दुनिया नॉन पोलर बन जाएगी। क्लियर है? जब सब अपने आप में सक्षम राष्ट्र हो जाएंगे, सब अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। पर ऐसी कोई संभावनाएं दिख नहीं रही हैं कि अभी ऐसा कुछ होगा या नहीं, क्योंकि रीजन क्या है कि नॉन पोलर बनने का तात्पर्य क्या है कि दुनिया में 193 सक्षम हो जाए, ऐसी तो कोई संभावना नहीं है। फिर राज किस पर करोगे? तो यह भी संभव नहीं है। इसलिए अभी जो दौर चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपोलर। क्या कहते हैं? बहुध्रुवी। दुनिया के चुनिंदा राष्ट्र मिलकर, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र मिलकर दुनिया चलाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? मल्टीपोलर। क्लियर है? इस दौरान दुनिया दो भागों में बट गई, एक प्रथम विश्व और दूसरा विश्व। क्लियर है? एक विश्व क्या करता है? अमेरिका अपनी विचारधाराओं को पूरा करने के लिए 1949 में एक संगठन का निर्माण करता है, नाम क्या है? नाटो। इस नाटो के माध्यम से अपनी विचारधाराओं को बढ़ाने की क्या करता है? कोशिश। और जरा देखो क्या है, ये जो सोवियत संघ है ये क्या करता है? 1955 में एक नया काम करता है, ये भी एक संगठन बनाता है, नाम क्या है? वारसा पैक्ट, वारसा समझौता। तो दोनों ने अपने अपने संगठन बना लिए, दुनिया आदि इन्होंने ले ली, आदि इन्होंने ले ली, जीत किसी की हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अब जरा देखो, जब वैचारिक शक्ति काम नहीं कर रही है तो फिर अगली शक्ति का इस्तेमाल होगा, और वह शक्ति कौन सी होगी? मिलिट्री पावर। क्लियर है? ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है तुम्हें, है ना, हेलमेट नहीं लगाया है, तो पहले तो कहते हो ना, अंकल प्लीज छोड़ दो ये वो, है ना, इसको कहते हैं वैचारिक शक्ति। क्लियर है? मान जाए तो तुम गांधी के बच्चे निकले, और ना माने तो मान कर चलो तुम्हारी शक्ति कमजोर है। और जब वो नहीं मानिया करता है तो तुम क्या कहते हो? पिताजी DIG हमारे, ठीक है, विधायक साहब के पीए हैं, ये मिलिट्री पावर है, धमकाने की कोशिश है। DIG का मतलब क्या है? है ना, डराने की कोशिश कर रहे हो, और सामने वाला खुद कहे कि मेरे पिताजी भी IG रह चुके हैं, है ना, तब चुनौती है ना, तब क्या करोगे? 100 का नोट निकालोगे, हाथ में दिया और कहा आप छोड़ दे, है ना, वो आर्थिक शक्ति है। देखो दुनिया में आखिरी जो काम करती है वो कौन सी है? आर्थिक शक्ति। जब सैन्य शक्ति का प्रयोग हुआ तो एक छोटी सी घटना हुई। घटना क्या हुई जरा देखो, अमेरिका और सोवियत संघ में, आगे पढ़ोगे भी, अभी तक तुमने पढ़ा कि डिफेंस में जो आगे था वो कौन था? अमेरिका। ये हकीकत है, ठीक है, और आगे पढ़ोगे जो स्पेस में आगे था, अंतरिक्ष में, ठीक है। अब आप सोचो उस समय, आगे पढ़ोगे ना कि 1950 के दशक में आदमी चंद्रमा पर पहुंचा दिया, है ना, आदमी को चांद भेजने का तात्पर्य ये नहीं था कि चांद देख कर आना था कैसा है, ये दुनिया को डराना था कि देखो मेरे पास इतनी तकनीकी है कि धरती पर ही नहीं, मेरी पहुंच कहां तक है? चांद तक है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए माहौल पैदा करते हैं, और माहौल क्या होता है कि एक छोटे से राष्ट्र क्यूबा पड़ा होगा, ठीक है, एक मिसाइल की तैनाती होती है, और मिसाइल क्या कहती है? जाकर गिरेगी किस पर? अमेरिकियों पर। अमेरिकी नाराज हो गए। सुना होगा ओबामा ने अभी अपने कार्यकाल के दौरान क्यूबा से संबंध बनाए हैं इतने दिनों बाद, वरना तब तक संबंध टूटे हुए थे ना। एक मिसाइल बनाई है और मिसाइल जाकर गिरेगी किस पर? अमेरिका पर।
अब तुम सारे क्या है, कमजोर लोग हो, है ना। 193 में सारे ही थोड़ी विकसित हैं, आधे आधे भागों में बट गए हैं, कोई अमेरिका के नेतृत्व में, कोई किसके नेतृत्व में, सोवियत संघ के। तो जो अमेरिका के नेतृत्व में है उनके लिए एक डर पैदा किया गया कि एक मिसाइल निकलेगी और जाकर गिरेगी कहां पर, अमेरिका में, अमेरिका नष्ट हो जाएगा, और जो जो अमेरिका का साथ दे रहे थे उनको सेट कर देंगे बाद में। तो जो लोग नहीं समर्थन कर रहे थे वो भी अब समर्थन करेंगे किसका, सोवियत संघ का। ये जीतने की कोशिश है, वर्चस्व कमाने की कोशिश है। अमेरिकियों ने कहा हमने दो बनाई है, तो कहा दो का मतलब, कहा जैसे तुम्हारे वाली एक निकलेगी हमारी एक ऑटोमेटिक निकलेगी, दोनों अंतरिक्ष में टकराएंगी, एक तो खत्म होगी, और फिर हमारी दूसरी ऑटोमेटिक निकलेगी जाकर किस पर गिरेगी, सोवियत संघ पर। अब घबरा रहा है कौन, सोवियत संघ। आगे पढ़ोगे या पढ़ चुके हो कुछ लोग, तो पहले एटम बना, बाद में हाइड्रोजन बना, बाद में न्यूट्रॉन बना, बाद में ये माहौल बने कि इधर से इधर जाएगी, है ना। आज देखा किसने है, किसी ने नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हमला हो चुका है 1945 में, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया देख चुकी है। एकमात्र हमला परमाणुओं का, वो भी एटम बम का हुआ था, और उस एटम बम का प्रभाव यह है कि आज भी बच्चा अपाहिज पैदा होता है कहां पर, इस जापान के अंदर। इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए डर तो है अंदर। अब मुझ जैसे ने भी क्या देखा कि देखो, आपने देखा कि आप में और मेरे बीच में कोई हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा है। आपने 47 बनाई, मैंने 56 बनाई, तुमने 92 बनाई, मैंने 93 बनाई, हथियार एक दूसरे पर खरीदना शुरू किया। हमारे बीच में एक गरीब बैठा होगा जो ये तो जानता है कि इनकी लड़ाई में मारा तो मैं जाऊंगा, पर माहौल तो मुझे भी बनाना है ताकि इनको यूं लगे कि ये भी मारेगा। तो उसने क्या किया, प्लास्टिक की बंदूक खरीदी, लटकाकर शुरू किया, है ना, और उसने भी दिखाना शुरू किया। अब हो सकता है कि डर क्या है अंदर, कि है तो प्लास्टिक की बात कौन जानता है, केवल वो ही जानता है, बाकी दुनिया को तो लग रही है कि चल तो सकती है, यही है। और उसने क्या है कि इन नए मुद्दों को बढ़ाना क्या कर दिया शुरू। इन्होंने दो बनाई, उन्होंने कहा हमारे पास तीन है, जैसे तुम्हारी दो निकलेंगी हमारी तीसरी निकलेगी, हालात नाजुक कर देगी। ये प्रतिस्पर्धा क्या होती गई, चलती गई। इस पूरी प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ कि पैसा कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्लियर है, क्योंकि जितना पैसा होगा उतने ही हथियार कम होंगे कि ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। तो फिर हथियारों की प्रतिस्पर्धा चली, तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में एक नया काम हुआ। नया काम क्या होता है कि सपोज करो तुम्हारे और मेरे बीच में मतभेद है, मतभेद का मतलब तुम्हारी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है। तो अचानक मैंने क्या किया, तुम में से किसी ने मुझे एक बंदूक गिफ्ट की थी, तो दूसरे दिन गुरुजी क्लास में आते हैं तो इस विजुअलाइजर पर पेन रखने की जगह पहले निकालकर बंदूक रखते हैं और बाद में उसको साइड में रख देते हैं। तो जिसके साथ मेरा मतभेद था उसमें डर कम पैदा होगा कि ज्यादा, तुम्हें क्या लगता है उसका मन पढ़ने में लगेगा, है ना, उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी रहेंगी और हाथ पर टिकी रहेंगी कि कब उसकी तरफ जाता है, यही है। जब वो डर पैदा हुआ तो वो एक दिन तो निकाल लेगा, पर अगले दिन वो भी कसम खाकर आएगा कि माहौल तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। इसलिए कहीं से देसी कट्टे का इंतजाम किया और एक बंदूक वो भी लेकर आया। अब उसने क्या किया, आते ही माहौल क्या किया कि नोटबुक निकालने से पहले बंदूक निकाली, टेबल पर रखी, और बाद में नोटबुक निकाली और कहा अब पढ़ाओ गुरुजी, है ना। अब गुरुजी को भी विश्वास हो गया है कि मतभेद का मतलब ये मेरे लिए लाया है ना, और जब मेरे लिए लाया है तब मुझे अगले दिन कितनी लानी होंगी, दो, और जब मैं दो लाया तब उसको विश्वास हो गया कि 100% मेरे लिए ही लाया है, क्योंकि कल था तब तक तो ठीक था, आज मैं लाया हूं तो ये दो लाया है, तो फिर अगले दिन वो भी कितनी लाएगा, दो, है ना। अब तीन लाओ चार लाओ, रजनीकांत तो हो नहीं, दो हाथ होते हैं दो ही चला सकते हो, है ना, तो कोई संभावना नहीं, है ना। ये प्रतिस्पर्धा जब चलने लगी तो समझ में आया कि ये जो परंपरागत हथियार होते हैं, बंदूक की गोलियों से दुनिया नहीं चल सकती है, ये तो केवल माहौल के लिए होती हैं। फिर मैंने क्या सोचा कि रोज हथियार बनाने से अच्छा कुछ और करूं, तो अगले दिन मैं एक माला पहनकर आया जो बम से भरी हुई थी, है ना, और जब ये पहनकर आया तो सामने वाला समझ गया, ठीक है, कि अब स्थिति बिल्कुल क्या है, अलग है। इसी को परमाणु बम कहते हैं ना। अब मेरे अंदर एक डर खत्म हो गया कि मैं मर तो सकता हूं, लेकिन गारंटी है जो मुझे मारने आएगा वो मेरे साथ ही जाएगा, यही है। ऐसे में सामने वाले ने भी क्या किया, एक चीज समझी कि बम से पूरी दुनिया डरती है, तो उसने भी बम की एक माला पहनी और आराम से सुखी सुखी रहने लगा। जब ये बम बने तो दुनिया में लगा कि शांति स्थापित होगी, पर एक चुनौती हुई। हर छोटे राष्ट्र ने सोचा कि हथियारों का इतना बड़ा जखीरा खरीदते हो, किसी से करोड़ों का, किसी से कुछ, एक बम से सारी दुनिया डरती है, तो सब ने क्या किया, एक एक अपना बम बनाना क्या किया शुरू, और इस बम को क्या कहते हैं, परमाणु, है ना।
जिसको नहीं बनाना था उसने भी बनाना क्या कर दिया, सोख सोख में शुरू कर दिया। और जब ये परमाणु बना तो आगे चलकर पता चला कि बनाना आसान है, प्रयोग करना क्या है, मुश्किल है। और प्रयोग करने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनसे निपटना और भी मुश्किल है, और उसकी सुरक्षा। अब मैंने बम तो बना ली, ठीक है, मैंने माला तो बना ली, पर जब रात को सोता हूं तो नींद नहीं आती है, कहीं लगता है कि यहीं फट ना जाए, इसलिए पूरी रात मैंने क्या किया, उस माला की सुरक्षा में गुजार दी ना। दुनिया में एक नई अशांति क्या हो गई, पैदा। जब ये अशांति पैदा हुई तो दुनिया के लोगों ने दावा किया, कह रहे, गारंटी दे रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चौथा नहीं होगा, इसकी गारंटी ले लो। अब आप खुद सोचो, सबके तुम्हारे हाथ में परमाणु बम है, मेरा अपना है, तुम्हारा अपना है ना, और दुनिया कह रही है कि इनके बीच में जब भी लड़ाई होगी गारंटी दे रहे हैं ये दोबारा कभी चौथा युद्ध नहीं लड़ेंगे ना, तो लड़ने की तो संभावना ही नहीं है, पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। ऐसे में इस गारंटी के बाद दुनिया ये देखने लगी कि एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। इसे शीत युद्ध इसलिए कहते हैं, युद्ध होने की पूरी संभावनाएं थी, पर जब सबने अपने अपने हथियार बम बना लिए तो युद्ध की लागत कम हो गई कि ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। तो सब क्या है कि केवल वो तरीके के लोग रहे हैं ना, कि दो पहलवान मोहल्ले में बाहर खड़े हैं, वो कह रहा बाहर आजा देख लूंगा, खड़े तो भारी हैं लेकिन फिर भी देखने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि युद्ध करने पर लागत क्या होगी, ज्यादा होगी। ये प्रतिस्पर्धाएं शुरू हुई इसलिए इसे शीत युद्ध कहते हैं, शीत का मतलब कि युद्ध नहीं हुआ, क्लियर है। ये प्रतिस्पर्धाएं जब चली तो एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा किसके, पर इन दोनों की आड़ में जो मर रहे थे वो छोटे राष्ट्र थे, जिनका ये मानना था कि ये दोनों तो लड़ेंगे, ये तो जाएंगे, पर साथ में किसको लेकर जाएंगे, इन छोटे राष्ट्रों को। और उनमें से जो अतुल्य था वो कौन था, अब आप खुद सोचो, 1947 में तो आजाद हुए हैं, आजाद होते ही वो कह रहा इधर से मिसाइल निकलेगी, वो कह रहा इधर से निकलेगी और गलती से हमारे ऊपर गिर जाए तो फिर तो चुनौती है ना। अभी तो आजाद हुए 10-15 साल तो जीने दो, उसके बाद निकालते हो तो कोई बात नहीं है, इसलिए हमने कहा मिसाइलों को अपने पास ही रखो। और चुनौती एक नई पैदा होगी, जो अमेरिका का समर्थन देगा वो स्वतः दुश्मन हो गया किसका, सोवियत संघ का। अब देखो क्या है, इन दोनों की तो हैसियत है एक दूसरे से दुश्मनी लड़ने की, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो अमेरिका का दोस्त वो सोवियत संघ का दुश्मन, तो फिर सोवियत संघ सबसे पहला हमला अमेरिका पर करेगा कि उस छोटे से राष्ट्र पर करेगा, तो ये तनाव में है बेचारे। और जो सोवियत संघ का दोस्त वो किसका दुश्मन, अमेरिकियों का। और मिसाइल विसाइल तुम्हारी तो टकराए ना टकराए लेकिन हमारे ऊपर गिरेगी तो हम जरूर टकराएंगे, छोटे राष्ट्रों में तनाव पैदा हुआ। और कहा गया कि विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होना क्या हुआ, शुरू। तो देखो वैचारिक प्रतिस्पर्धा किसमें तब्दील हो गई, सैन्य प्रतिस्पर्धा में, क्लियर है। परंतु जब परमाणु जखीरा बना तो यह साबित हो गया कि युद्ध तो नहीं होगा। अब क्या होगा कि जिसकी सामरिक शक्ति ज्यादा होगी, यानी जो हथियारों को ज्यादा बना लेगा वही युद्ध करेगा, यही होगा कि मेरे पास 8 बम तुम्हारे पास 10 बम, फिर मैंने 20 बनाए तुमने 30 बनाए, तो जिसके पास ज्यादा होंगे वही लड़ने की संभावनाएं रखेगा, वरना नहीं है। इसके लिए निरंतर बम बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, आर्थिक शक्ति। अब वापस उस कहानी पर लौटो जो एक शब्द बताया था, एक तो पूंजीवाद और दूसरा क्या, समाजवाद। सो मत जाना ना, पूंजीवाद का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, ठीक है। एक पिताजी ने अपने लड़के को 10 लाख दिए और कहा बेटा दुनिया के जिस जिस कोने में लगा सकता है लगाता जा, कहीं नुकसान होगा कहीं फायदा होगा। तो जो पैसे से पैसा कमाता है इसको क्या कहते हैं, पूंजीवाद। और एक पिताजी ने क्या किया, 10 लाख रुपया दिया और कहा जीवन इसी से चलाना, ना तो किसी को देना ना किसी से लेना, इस 10 लाख को खर्च करते रहना, जल्दी डूबेगा, वो कौन है, समाजवाद, क्लियर है। क्योंकि पैसे से पैसा कमाने पे बढ़ेगा और 10 लाख सीमित हैं, इनको आप स्थिर रख रहे हो, इनका प्रयोग करते जाओ, जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन संकट होगा किसके लिए, समाजवाद के लिए। अमेरिकियों ने पूरी दुनिया में निवेश किया, संसाधन इकट्ठा किए और पैसे से पैसा कमाया, अपनी आय को बढ़ाते गए, जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी सैन्य शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही वैचारिक शक्ति बढ़ेगी, यही है। और जरा देखो क्या है कि इस तरफ क्या हुआ कि खुद के पैसों का खुद प्रयोग हुआ, ना दुनिया के साथ कोई आर्थिक संबंध बनाए गए, और उसके बाद वर्चस्व हुआ। तो दौर चलता गया, 1990 में आते आते क्या हुआ, इनकी आर्थिक शक्ति खत्म हो गई, किसकी, सोवियत संघ की। और जब सोवियत संघ की आर्थिक शक्ति खत्म हो गई तो सोवियत संघ टूट गया, और टूटने के बाद दुनिया पर अकेला शासन किसका हो गया,
अमेरिका का, क्लियर है। तो 1945 से 1990 तक दुनिया क्या थी? बाइपोलर, दो ध्रुवी, दो राष्ट्रों का क्या था, शासन था, एक अमेरिका और दूसरा किसका, सोवियत संघ का। और 1990 के बाद दुनिया में एकमात्र राष्ट्र जिसका शासन रहा वो कौन, अमेरिका, क्लियर है। कोई दिक्कत यहां तक हो तो पूछो। तो ये तो कहानी है जो तुमने एनसीईआरटी में 3-4 चैप्टरों में पढ़ी होगी। अब जरा देखो कलेक्टर कहां का बनना है। तो इस पूरी कहानी के दौरान हमने क्या किया, अब मैं ये जो हमने किया इसको बता रहा हूं। 1945 से लेकर 1990 तक के बीच में, कब से कब तक के बीच में, 45 से 90 के बीच में। तो जरा देखो क्या है कि हम आजाद हुए कब, 1947 में। और जब आजाद हुए तो कहा या तो अमेरिका अपना लो और या फिर किसको अपना लो, सोवियत संघ को, यही था। तो किसको अपना सकते हो, हाँ, किसी को नहीं, क्यों? देखो तुक्का मार रहे हो इसीलिए, मतलब या तो तुम जानते हो, ठीक है भाई, इतना आसानी से तुमने सरकार का विशेषज्ञ बनकर बता दिया कि किसी को नहीं, है ना, तो इसका मतलब तो तुम डिप्लोमेटिक अफेयर्स के मिनिस्टर हो, है ना, तो अब बताओ किसी को क्यों नहीं, दुनिया ने भी तो अपनाई है, मतलब दो दुनिया में दो ही राजा है, है ना, दोनों से दूर बैठ जाओ ऐसा, बीच में रह के दोनों हाथ में लड्डू, तो देखो, हाँ, पीस सेटलमेंट करो, किसकी बात कर रहे हो, नहीं किसकी बात कर रहे हो, कौन करेगा, पैदा तो हुआ है अभी, है ना, दुनिया की गरीबी बेरोजगारी तो सारी तुम्हारे ही साथ थी, है ना, ये सब आज के युग में संभव है कि दुनिया सुनती होगी, तुम्हें क्या लगता है 47 में कोई सीरियसली भी लेता था हमको, है ना, संभव ही नहीं है, है। तो देखो क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं होता बेटा कि रटा रटा है, अलग कहानी होती है, चीजों को समझने की जरूरत है। कितना याद रखना, कोई भी संबंध किस पर बनता है, हित पर बनता है। अगर हमारे इन दोनों में से किसी एक को पकड़ने में फायदा होता तो हम उसके साथ 100% जाते, क्योंकि फायदे के लिए ही संबंध बनते हैं। बात अमेरिका की करोगे तो क्या कह रहा है कि पैसा दूंगा तकनीकी दूंगा। पहले तो भारत को समझो, 1947 का भारत क्या था कि बेरोजगारों की संख्या कम थी कि ज्यादा, भूखमरी कम थी कि ज्यादा, जनसंख्या कम थी कि ज्यादा, ऊपर से शरणार्थियों का संकट क्या था, ज्यादा। हमारे पास खुद का नाश तक नहीं था कि हम खाकर अपने जीवन को चला सकें। आगे पढ़ोगे ये सब भी संकट था। इतना तो सुना ही होगा कि जब अंग्रेज आए थे तो सोने की चिड़िया थे, है ना, जब वो गए सोना ले गए, चिड़िया छोड़ गए, है ना, और वो भी वो चिड़िया जिसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा हो, है ना। इस संकट के दौरान हमें क्या करना था कि पैसा चाहिए और तकनीकी चाहिए, जिससे क्या कर सके, खुद का विकास कर सके और इस चिड़िया को वापस सोने में तब्दील कर सके, क्लियर है। पैसा और तकनीकी या तो कौन देगा, अमेरिका, या कौन देगा, सोवियत संघ। हमने अमेरिका को कहा कि पैसा और तकनीकी दे दो, उन्होंने कहा दे देंगे, पर पहले तो ये मान लो कि तुम्हारा पिताजी कौन है, अमेरिका, और दूसरी शर्त क्या है कि तुम लोकतंत्र को अपनाओ। तो हमने अपनाया था कि नहीं, अपनाया था, और लोकतंत्र के साथ किसको अपनाओ, पूंजीवाद को अपनाओगे कि नहीं। आज मैं तुम्हें यह कहूं कि 2018 के अंदर इंग्लैंड की एक कंपनी आ रही है, है ना, अंग्रेज आ रहे हैं जो एक कंपनी स्थापित करेंगे सीकर में, 200,000 लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तो तुम इस कंपनी का विरोध करोगे कि स्वागत करोगे, स्वागत करोगे, विरोध करोगे तो बेरोजगार रहोगे, याद रखना, ठीक है। आज की बात कर रहे हो 2018 की, तुम्हें क्या लगता है अब अंग्रेज आएंगे और फिर 200 साल शासन कर लेंगे, इस बार हालात ये करेंगे जो आए हैं उनको भी वापस नहीं जाने देंगे, है ना, अब क्योंकि हमारी शक्ति क्या हो चुकी है, विकसित। लेकिन 47 का मतलब क्या है, अपने दादाजी को कहना, अगर किसी के जिंदा हो तो उनसे बोलना कि 1947 में जो हुआ था ऐसी एक कंपनी और आ रही है 2018 में, है ना, तो 2-3 लाख लोगों को रोजगार देगी, तो देखना उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कहेंगे रोजगार की आड़ में बेटा अब 200 साल और लेंगे, है ना, और ये तो हम जैसे थे जिन्होंने 200 साल में छुड़वा लिया, अब तुम जैसे हैं तो 400 साल शासन रहेगा, है ना।
1947 के भारत को कह रहे हो कि कंपनी आएगी अमेरिका की, निवेश करेगी, पैसा लगाएगी, तकनीकी लगाएगी, तुम्हारा विकास करेगी, है ना। सब कुछ संभव है पर कंपनी संभव नहीं है, क्योंकि 200 साल पहले भी आई थी, है ना, जिसने 200 साल तक शासन किया किस राष्ट्र पर, हमारे ऊपर। तो हमने कहा भूखे रहेंगे मरेंगे पर कंपनी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहां से मदद मिलने की संभावना है कि नहीं है। इनसे कहा कि तुम दे दो, इन्होंने कहा हम तो तैयार हैं देने को, बस एक दिक्कत है कि जिसके लिए 200 साल तुमने संघर्ष किया था, लोकतंत्र वोकतंत्र, इसको खत्म कर दो, ठीक है। तो अर्थ क्या है कि तुम जेल से रिहा हुए 1947 में और तुम्हें कह रहा है कि वापस जेल चले जाओ, पैसा तकनीकी तो खूब दूंगा, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि संभव नहीं है ना। तो दोनों में से किस से मदद ले, किसी से नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अब दोनों एक दूसरे पर बम गिराने की धमकी दे रहे हैं, दोनों पहलवान हैं, तो हमारी तो हैसियत ही क्या। तो हमने क्या किया, एक कोना ढूंढा, उस कोने में जाकर बैठ गए और देखते रहे कि मैच कब खत्म हो। अर्थ क्या है कि कब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से एक हार जाए, और जो हार गया वो तो हमारा दुश्मन, और जो जीत गया वो क्या, दोस्त। और बस जाकर इतना ही कहना है कि हम दूर से बैठकर तुम्हारे दोस्त थे और हम देख रहे थे कि तुम जीतोगे, हमें विश्वास था, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इन सारे गरीबों को एक जगह इकट्ठा किया और हमने तीसरा विश्व बनाया। जो गरीब थे उनको कहा कि क्यों बेवजह फंस रहे हो, ना एक तरफ बैठ जाओ, और नाम दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन, कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम तो आराम से बैठकर मैच देखेंगे, और जो हार जाएगा उसके तो हमेशा दुश्मनी, और जो जीत गया उसको जाकर इतना सा तेल लगाने की जरूरत है कि आज तक तेरे लिए ही हम पूजा पाठ कर रहे थे कि तू जीत जाए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब जरा देखो क्या है इसके लिए। ये तो संभव है कि दूर बैठ जाओगे, पर चुनौती यह है कि 47 से लेकर 1990 तक का चरण आसानी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक दिन का थोड़ी समय है, वर्षों का समय है ना, इस वर्षों के समय में कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये तो जानते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ दोस्त हैं कि दुश्मन, दुश्मन है, दोनों एक साथ तो कभी नहीं आएंगे कहां पर, भारत में, ये तो जानते हो। तो वो जो तुमने किया वही कहानी इनकी है कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर चले ना। जब अमेरिका आए और कहा किसकी साइड हो, कहा बचपन से तुम्हारी साइड, है ना, उनका दिल खुश हुआ, उन्होंने 100 का नोट थमाया ना। हमने 100 का नोट लेने से इनकार कर दिया कि हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही तुम्हारी साइड है। वो समझ गए कि 100 से नहीं, अब 200 की देने की जरूरत है ना। उन्होंने 200 दिया, वो 200 हमने लिया, प्रयोग करना शुरू किया। सोवियत संघ वाले आए और कहा हमने सुना कल अमेरिका आए थे, तो कहा आए तो थे पर 200 में जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने बेचा नहीं, हमने पहले ही कहा कि अगर जीवन में कोई दोस्त है तो कौन है, सोवियत संघ, है ना। अब आप सोचो कि 200 बताकर पहली बात देता तो उस पर यह कर दी है कि 200 तो वही दे रहा था, तो इसकी मजबूरी है कितना देना, 300। और जब इसने 300 दिया, अमेरिकी पूछेंगे कि कल मैंने सुना ये आए थे हमारे जानने के बाद, कहा आए तो थे, तुम्हारे से ज्यादा पैसों का प्रस्ताव भी रख रहे थे, कह रहे थे 500-600 देंगे, पर हम पैसों के आगे दोस्ती को नहीं बेचते, हमने 500 को नजरअंदाज कर दिया, अब इनकी मजबूरी है कम से कम कितना देना, 600, है ना। ऐसे करते जीवन काटते रहे बेटा। जब ये बता रहा हूं तो तुम्हें लग रहा होगा क्या एक दूसरे को पता नहीं था, पता तो था, पर इनकी भी मजबूरियां हैं। क्या है मजबूरियां, अर्थ क्या है कि दुनिया में हमने तीसरा विश्व पैदा कर दिया जिसमें कुछ राष्ट्र शामिल हो गए। अब अगर भारत पक्ष में होगा इन दोनों में से किसी एक के, तभी जाकर काम चलेगा, वरना नहीं। क्योंकि जरा देखो, दुनिया में एक कह रहा है साम्यवाद, दूसरा कह रहा है पूंजीवाद, और अंपायर कौन होगा, तीसरे वाला, यही होगा। इसका मतलब ये दोनों जानते हैं कि डबल गेम खेल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद इनकी मजबूरियां थी किसका समर्थन करने की, भारत का। क्लियर है, ये गंगानगर के राजा भाई तो अपने आप को बाहुबली समझता, पर मैं भी कटप्पा हूं, सोच ले, है ना, ये फोन मोन नहीं भाई क्लास के अंदर, है ना, पार्ट टू बनने ही नहीं दूंगा, सोच ले, पहले मैं ही कहानी खत्म कर दूंगा, ये आखिरी गलती है तेरी, याद रखना, है ना। सब बर्दाश्त है, फोन बर्दाश्त नहीं है भाई, एक तुम्हारी वजह से क्या है, दूसरा डिस्टर्ब होता है, सबसे बड़ी बात है फिर मैं होता हूँ, और तुम कहीं सोच रहे हो कि टेप रिकॉर्डर होता होगा, इसके अंदर दबाया बटन शुरू हो जाता होगा, नहीं, गलत बात है ये। अब देखो क्या है,
कि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ कौन है, सोवियत संघ। यहां तक की कहानी समझ आई, तभी आगे की समझ आएगी कि नक्शे में देखोगे भारत के ऊपर कौन है, सोवियत संघ। विचारधारा बढ़ रही है, 1945 में सोवियत संघ उत्पत्ति लेता है, 1949 में भारत के बगल में एक राष्ट्र होता है, नाम क्या है, चाइना, और यह भी लोकतांत्रिक की जगह क्या बन जाता है, साम्यवादी, यानी सोवियत संघ की जैसी लहर कहां जाती है, चीन में भी। तो ये जो सोवियत संघ की विचारधारा है यह सफल हो रही है कि बढ़ रही है, सॉरी कमजोर हो रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो मतलब सोवियत संघ की विचारधारा कहां तक पहुंची, इस चीन तक, और जब चीन तक पहुंची तो आगे चलकर 1950 में इस कोरिया में भी संकट शुरू हुआ और 1953 में दो कोरिया बन गए, एक उत्तरी कोरिया और दूसरा कौन, दक्षिण कोरिया। तो ये जो साम्यवाद की लहर है ये कम हो रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब यूं समझना कि बीकानेर वालों को मैं यहां बैठकर कह रहा हूं कि बेटा डरना नहीं, तुम्हारे ऊपर हमला, मेरे ऊपर हमला, और जब भी होगा मैं तुरंत आऊंगा और कार्रवाई करूंगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमला किया है तुम्हारे खिलाफ, तुम डरना नहीं। बीकानेर यहां से कितना दूर है ना, तो ये तो एक तरीके की क्या होगी, उनको गोली देने की बात है, यही है। और जब इनको गोली दूंगा तो धीरे धीरे परिस्थितियां समझ में आएंगी, साम्यवाद बढ़ रहा है, अमेरिका दुनिया की किसी एक कोने से कह रहा है इसके आसपास के राष्ट्रों को कि डरना नहीं, अमेरिका आएगा और तुम्हें बचाएगा ना। तो इसका लहर बढ़ता गया, जो तनाव में शुरू हुआ वो कौन है, अमेरिका। और जब अमेरिका तनाव में शुरू हुआ अरे क्या कर रहे हो, ऐसे में जब साम्यवाद की लहर बढ़ने लगी तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था, इन्होंने क्या किया कि आसपास अपना स्थायी अड्डा बनाने का निर्णय लिया। और जब स्थायी अड्डा बनाने का निर्णय लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र जो था वो कौन है, इंडिया। तो एक लोकतांत्रिक की मदद कौन करेगा, दूसरा लोकतांत्रिक। ये गलतफहमी किसको थी, अमेरिकियों को, क्लियर है। इन्होंने आकर भारत को कहा कि जमीन वमीन दे दो, मसला तुम्हारा सेट कर देंगे, और जितना पैसा तकनीकी चाहिएगा तुम्हें दे देंगे, बस कुछ क्षेत्र। यही कारण है जम्मू कश्मीर तब विवादित ही रहा और आज तक विवादित है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में ही अपना स्थायी अड्डा बनाना चाहते थे, इसे विवादित बनाकर। और आज तक समाधान नहीं होने का मूल कारण क्या है कि हमारी गलती थी कि हमने उस दौर में जब दुनिया में प्रतिस्पर्धा चल रही थी तो दुनिया को शामिल कर लिया, किस मुद्दे में, जम्मू कश्मीर के मुद्दे में। अब जरा देखो, भारत से अपील की गई कि जगह दे दो, भारत ने क्या किया, दोनों से समांतर दूरी रखी। समांतर का मतलब ना तो सोवियत संघ के दुश्मन बने और ना ही किसके, अमेरिका के। इस पूरी परिस्थिति में जब भारत से मदद मांगी तो भारत ने नहीं दिया। एक छोटा सा संकट है, ध्यान से समझना, हुआ क्या था कि 1949 में चीन के अंदर गृह युद्ध शुरू हुआ, और गृह युद्ध में क्या हुआ कि यहां का लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री था, नाम था चयांग काई सेक, और ये जो चयांग काई सेक था इसके संबंध भारत और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए ये चयांग काई सेक की सरकार गिरा दी माओ से तुंग ने, जो साम्यवादी व्यक्ति था, इसीलिए कहते हैं इसे माओवादी विचारधारा। पढ़ते आए हो अभी तक, ठीक है। माओ की विचारधारा क्या कहती थी कि जो सत्ता होती है वो प्यार से मांगने से नहीं मिलती है, वो हमेशा बंदूक के दम पर मिलती है, इसीलिए इसे माओवादी विचारधारा कहते हैं, क्लियर है। इस माओ ने क्या किया, इस सरकार को गिराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, और हथियारों का जब इस्तेमाल हुआ तो चयांग काई सेक चीन छोड़कर भाग गया और बगल में एक द्वीप है, उस द्वीप पर जाकर बैठ गया जिसका नाम क्या है, फार्मोसा, क्लियर है। इस द्वीप पर जाकर बैठ गया और इस द्वीप पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और आगे चलकर ये जो फार्मोसा है इसी का नाम रखा गया है ताइवान। क्या रखा गया है, ताइवान। तो आजकल न्यूज में सुनते होंगे कि ताइवान चीन का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये वो मुद्दा है जो पैदा हुआ, इस फार्मोसा द्वीप पर जाकर बैठ गया, और चयांग काई से क्या कहता है कि आज से जो चीन संचालित होगा वो कहां से होगा, फार्मोसा से। और उधर माओ कह रहा है कि आज जो चीन संचालित होगा वो बीजिंग से ही होगा, क्लियर है। तो दुनिया के सामने कितने चीन आ गए, दो आए कि नहीं आए, ठीक है।
और जब दो चीन आ गए तो एक साम्यवादी है और दूसरा कौन है, लोकतांत्रिक है, तो दुनिया को इन दोनों में से किसी एक को मान्यता देनी है। यूं समझना कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव मोदी पर आक्रमण करता है, मोदी सुषमा स्वराज राजनाथ सिंह को लेकर भाग जाता है कहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप पर। मोदी कहता आज से दिल्ली अंडमान निकोबार, उधर लालू कह रहा है दिल्ली तो दिल्ली रहेगा, इसलिए सरकार भारत कौन सी है, यही की। तो दुनिया के सामने दो भारत पैदा हो गए, और जब दो भारत पैदा हो गए तो दोनों में से किसी एक को मान्यता देनी थी। ध्यान से समझना चीजों को, जब चीन दो तरीके का पैदा हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, ये जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, इसमें पांच वीटो शक्तियां हैं, एक अमेरिका, दूसरा रूस उस समय का सोवियत संघ, और अगली है चीन, फिर है ब्रिटेन, और फिर कोई है कौन, फ्रांस। इनको ध्यान से देखोगे तो देखो क्या है कि चार लोकतांत्रिक थे, अमेरिका भी लोकतांत्रिक था, चीन भी लोकतांत्रिक था, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक था, और फ्रांस भी क्या है, लोकतांत्रिक है। अब एक साम्यवादी की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि लोकतांत्रिक किसमें तब्दील हो चुका है, साम्यवाद में। अब साम्यवादी की संख्या बढ़ेगी तो अमेरिका को फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। इसलिए अमेरिकियों ने एक गेम खेला, वो गेम क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि इस मैच का निर्णय तो तुम ही लोग कर पाओगे, क्योंकि साम्यवादी चीन का समर्थन तो कर रहा है दूसरा विश्व यानी सोवियत संघ, लोकतांत्रिक चीन का समर्थन कर रहा है कौन, पहला विश्व अमेरिका, और जब प्रस्ताव पेश होगा तो मैच फिर कौन डिसाइड करेगा, तीसरा विश्व, यही होगा कि ये जिसको मान्यता देंगे वही स्थायी सीट पर कब्जा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि तुम तो लोकतांत्रिक चीन को मान्यता दे दो, ये जो चीन की वीटो शक्ति है ये किसको मिलेगी, भारत को मिलेगी, क्लियर है। पर भारत का प्रधानमंत्री क्या है, किताबी कीड़ा निकला ना, तो उसने तुरंत निर्णय लिया, कहा मौका प्रस्त लोग नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं हम, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। तो फायदा देखो क्या है कि एक दौर था कि दरवाजे पर खुद भगवान आए थे कि प्रसाद ले लो, है ना, यही था, और अब तुम दुनिया के दरवाजों पर भटक रहे हो कि प्रसाद दे दो, चुनौती अलग है। अर्थ क्या है कि सुरक्षा परिषद की सीट घर चलाकर आई थी कि ले लो, है ना, स्वीकार कर लो, तब तो तुम मौका प्रस्त नहीं थे, और अब वर्तमान सरकार देख रहे होंगे पूरी दुनिया में भटक रही है, हाथ जोड़ रही है कि हमें वीटो शक्ति दे दो, क्योंकि हम वीटो शक्ति के काबिल हैं। उस दिन अगर मिल गई होती तो आज भारत की बिल्कुल अलग होती उस राष्ट्र की तुलना में जो आज है। ऐसे में हमने नजरअंदाज किया, पर आंसर में कभी भी सरकार की आलोचना नहीं करोगे, याद रखना, क्योंकि राजनीति बदलती है, तुम नहीं बदलोगे, यही तो कारण है कि तुम्हारे को शक्तिशाली माना जाता है कि तुम 30, 35 साल 40 साल की नौकरी करोगे अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में, तो तुम अगर विचारधारा नकारात्मक रखोगे तो चुनौती है। तो तुम क्या मानोगे कि वास्तव में सही निर्णय था, क्या मौका प्रस्त लोग नहीं है, मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए हमने नजरअंदाज कर दिया। अमेरिकियों को लगा कि उस दिन साबित तो हो गया था कि दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी कहां पैदा होता है, भारत में, पर उन्होंने फिर भी थोड़ा सब्र रखा कि हो सकता है आगे चलकर कभी ये बेवकूफी भूल जाएं और ज्ञान में तब्दील हो जाएं। मुद्दा चलता गया, अचानक क्या होता है, एक छोटा सा संकट, सोवियत संघ और चीन में सीमा विवाद होता है, ठीक है, 1969 में, और 1970 में यह सीमा विवाद बढ़ जाता है और इस दौरान युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो जरा देखो, दो दोस्त आपस में क्या हो गए हैं, दुश्मन, यही है, और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, तो अमेरिकी जानते थे कि आज अगर चीन पक्ष में आ गया तो घेर पाएंगे किसको, सोवियत संघ को। तो इन्होंने क्या किया, आगे पढ़ोगे, एक निक्सन किसिंजर पॉलिसी कहलाती है, ठीक है, एक राष्ट्रपति था, दूसरा विदेश मंत्री था अमेरिका का, दोनों ने चीन से संपर्क साधा और चीन को कहा कि तुम सोवियत संघ से दूरी बना लो, हम गारंटी दे रहे हैं कि वीटो शक्ति इस साम्यवादी चीन को मिल जाएगी। अब माओ को सोवियत संघ चाहिए कि खुद की सरकार, खुद की सरकार, तो उसने तुरंत क्या किया, ये मजबूरी आधारित दोस्ती बना ली, अमेरिकियों को स्वीकार कर लिया और अमेरिका और चीन नजदीक हो गए। पर ये दोस्ती वैचारिक थी कि जरूरतमंद की थी, जरूरतमंद की। जैसे ही हुआ, साम्यवादी चीन को मान्यता मिली और आगे चलकर एक नया चीन बन गया, एकमात्र जो कौन है, साम्यवादी चीन। इसी 1971 में क्या कर दिया गया कि जब यह संधि हुई थी तो इस फार्मोसा का नाम बदलकर ताइवान कर दिया और अमेरिकियों ने घोषणा कर दी कि ताइवान जो है वो चीन का भाग नहीं है। ये क्यों, कि आगे पढ़ोगे,
अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इस ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र इसलिए घोषित कर दिया अमेरिकियों ने ताकि कल को ये साम्यवादी चीन धोखा दे अमेरिका को, तो एक नया चीन पैदा कर दिया जाए जिसका नाम क्या हो, ताइवान। पर ये डिटेल में आगे पढ़ोगे तो और समझ आ जाएगा, वो मसला नहीं है। इतना याद रखो कि खेतर में एक साम्यवादी चीन को वीटो शक्ति की मान्यता मिल गई और दुनिया में जो दो चीन चल रहे थे वो अब कितने में तब्दील हो गए, एक में तब्दील हो गया। हमारे भी फायदे अब खत्म हो गए कि बने हुए हैं, अब खत्म हो गए क्योंकि जो मौका मिला था वो हमने छोड़ दिया। क्लियर है यहां तक? ये परिस्थितियां चलती गई। अब जरा देखो क्या है कि सबसे पहली घटना ऐसा क्यों हुई कि इन्होंने हमें दिया 1962 में क्या होता है कि पहले तो पढ़ोगे 1959 में ये जो तिब्बत है इस तिब्बत पर कब्जा करने के लिए चीन वाले हमला करते हैं। ये तिब्बत क्या है कि जैसे सीकर है, इस सीकर को दो भागों में बांट दिया कि सीकर की जो आंतरिक कहानी होगी वो तो सीकर का राजा चलाएगा और जो सीकर की भारी शासन होगी वो चीन चलाएगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर तिब्बत भाग हो गया किसका, चीन का, अप्रत्यक्ष तौर पर। 1959 में ये संधि का उल्लंघन करते हैं और सेना प्रवेश करा देते हैं तिब्बत के अंदर एक साम्राज्यवादी माओ और तिब्बत पर पूर्णतः कब्जा करने की क्या करता है, कोशिश। यहां से दलाई लामा जो इस तिब्बत के लोगों का नेतृत्व कर रहा था भागता है इंडिया और इंडिया में धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, एक जगह का नाम है, इस जगह में राजनीतिक शरण लेता है। इससे माओ नाराज होता है, किससे, भारत से, पर भारत अपना पक्ष रखता है और भारत इस दलाई लामा को मजबूर करता है कि कोई राजनीति नहीं चलाओगे कहां बैठकर, भारत बैठकर, हमने शरण तो दी है। ऐसे में इसके बाद एक सड़क का निर्माण शुरू होता है जो चीन और भारत की सीमाओं के नजदीक था। उस समय ये जितने भी स्पाई टेक्नोलॉजी यानी जो जासूस प्रणालियां थी विकसित नहीं थी, ठीक है, उस समय तो सलमान खान जैसा टाइगर होता था जो उस पार होता था, बताता था कि ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो उस टाइगर ने सूचना दी और वो सूचना यह है कि सड़क का निर्माण चल रहा है भारत चीन सीमाओं पर। तो पहला जनरल जो आर्मी का था उस जनरल ने क्या किया, दिल्ली में जनरल थ्रीपा थे, इन्होंने दिल्ली में क्या किया, रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कहा कि बगल के राष्ट्र में हलचल चल रही है और मुझे लग रहा है ये हलचल किसके लिए हो रही है, इंडिया के लिए, युद्ध होने की संभावना है। तो होता क्या है कि प्रधान रक्षा मंत्री नाराज हो जाता और कहता है कि हम जानते हैं कि तुम भारत चीन को लड़ाना चाहते हो और उसके बाद खुद की सरकार चलाना चाहते हो, सेना सरकार बनाना चाहते हो। कारण क्या था कि बगल के राष्ट्र पाकिस्तान में सेना सरकार ही चली थी, तख्ता पलट कर दिया था और सेना ने सरकार शुरू कर दिया था, तो कहा कि तुम्हें हवा लगी है किसकी, पड़ोसी राष्ट्र की। जनरल नाराज हो गया और जनरल ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसने कहा मैं देश बचाना चाहता हूं, तुम देश बर्बाद करना चाहते हो ना। इस नाराजगी के बाद पंडित नेहरू ने बीच बचाव किया, जनरल का इस्तीफा अस्वीकार किया और कहा कि तुम तनाव मत लो, हम कुछ करते हैं। जनरल चला गया और अचानक क्या होता है, इस पूरे घटनाक्रम को चीन देखता है तो चीन जानता है कि बेवकूफ तो है, जब जनरल की बात नहीं मान रहे जो सेना संभालता है तो वो क्या करता है, युद्ध को टाल देता है कुछ समय के लिए, और जब टाल देता है तो इधर के लोगों को विश्वास हो जाता है कि जनरल गलत था और हम क्या है, सही है। और अचानक एक झटका देता है कि 1962 में आक्रमण करता है इस पहाड़ी क्षेत्र में, हमारे जवान -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पीटी सूज पहनकर लड़ रहे थे ना। अब आप सोचो बंदूक की गोलियों की तो जरूरत नहीं होगी, मौसम अपने आप सेट कर देगा ना। 3 दिन में वो हालात कर दी जो दुनिया में संभावित नहीं थी, बुरे तरीके से जो युद्ध हार गया वो कौन, इंडिया। किसकी गलतियों से, हमारी अपनी से, क्योंकि उस दौरान शक्ति के सिद्धांत में हमारे पास केवल एक शक्ति थी, वो कौन सी है, वैचारिक शक्ति, ठीक है, कि हिंदी चीनी भाई भाई होते हैं बस ये कहते रहे, बाकी कुछ भी हमसे हो नहीं पाया। हमें लगा गांधी जीत पाएगा पर उन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि सामने भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, सामने साम्राज्यवादी है जो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। उसने भारत पर आक्रमण किया, 3 दिन में हालात नाजुक कर दी, अमेरिकी तुरंत आए और अमेरिकियों ने पूरे हिमालय क्षेत्र को घेर कर कहा कि अगर 1 इंच आगे बढ़ोगे तब युद्ध लड़ना पड़ेगा किससे, अमेरिका से। वो रुक गए क्योंकि उस समय का चीन कमजोर था, ठीक है, अमेरिका के बराबर तो शक्ति नहीं रखता था। अब सवाल दिमाग में ये भी आना चाहिए कि गुरुजी अमेरिकी क्यों आए, तो बताओ है? हमें अपने पक्ष में लेने के लिए कि इनकी भी कोई मजबूरी थी,
इनकी भी मजबूरी थी, पक्ष में लेने के लिए नहीं। मजबूरी क्या थी कि साम्यवाद की लहर कम हो रही है कि बढ़ रही है, और अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भी साम्यवादी बन जाता तो जीत सोवियत संघ की थी, हार अमेरिकियों की थी। तो उनकी मजबूरी थी किसे बचाना, भारत को बचाना। उन्होंने क्या किया इस 1962 के युद्ध में, हमें जैसे तैसे कर बचाया। बचाने का अर्थ क्या है, युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दिया। और बचाने के बाद तुम्हारा पहला धर्म क्या कहता है, तुम धन्यवाद करो कि धमकी दो, है ना, तो यही कहता है। और जैसे ही इन्होंने बचाया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई होते हैं, ये तो गलती से हो गया युद्ध, तो क्या हो गया, गलती से हो गया। चीन वालों का इरादा नहीं था युद्ध करने का हमारे साथ में, पर हो सकता है कुछ मतभेद की वजह से हुआ हो, और अमेरिकियों को कहा क्षेत्र खाली कर दो, हम अपने आप समेट लेंगे भारत को। ये खुश होंगे कि नाराज, नाराज, पर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहानी 1962 की है। 1964 में चीन के नीचे एक राष्ट्र है, नाम है वियतनाम। इस वियतनाम पर कब्जा कर चीन पर अपना कंट्रोल करने के लिए अमेरिकियों ने आक्रमण कर दिया, और जब 64 में आक्रमण किया तो दुनिया के एक राष्ट्र ने धमकी दी, नाम है भारत। और भारत ने धमकी क्या दी, कहा छोटे से गरीब राष्ट्र को क्या मारते हो, अगर युद्ध लड़ना है तो हम जैसों के साथ लड़ो, ये तो गरीब हैं, इनको आप दबाकर क्या कर रहे हो, अपनी नीति को लागू कर रहे हो। अब अंदर आक्रोश कम होगा कि ज्यादा, है ना, जिन्होंने दो दिन पहले होश नहीं संभाला उनको आप धमकी दे रहे हो, है ना, तो हालात नाजुक। और अमेरिकी इतने नाराज हुए कि 1964 में इन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, किसके ऊपर, भारत के ऊपर। क्लियर है, आर्थिक प्रतिबंध का मतलब है कि 64 से पहले खाने का गेहूं इस राष्ट्र में कहां से आता था, अमेरिका से, लाल गेहूं कहते थे इसे, और वो गेहूं वेहूं सब बंद कर दिया तो राष्ट्र में खाद्य संकट आना शुरू हुआ, फूड क्राइसिस आना क्या हुआ शुरू। कहानी कब की है, 64 की। क्लियर है, ये जो हमारी नीति थी इस दौरान वो विचारवादी थी, इसी का हमें नुकसान उठाना पड़ा। और अचानक क्या होता है जरा देखो, 1964 के बाद दुनिया में दो पाकिस्तान थे, एक पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इस पश्चिम पाकिस्तान में थोड़ा बहुत तुम पढ़ चुके हो कि राजनीतिक दलों की सरकार गिराकर जनरल अयूब खान ने सेना सरकार बनाई थी, और जब सेना सरकार बनाई थी तो जनरल अयूब खान ने वादा किया था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो कश्मीर तुम्हें 100% दिलाकर रहूंगा। जनता ने स्वीकार किया, तो जनरल अयूब खान की मजबूरी थी कि भारत पर आक्रमण कर वो कैसे भी कर कश्मीर को प्राप्त करे, वरना सेना सरकार गिरा देगी किसकी, जनता, पश्चिम पाकिस्तान की। क्लियर है, ऐसे में जनरल अयूब खान को लगा कि इससे बेहतर मौका कोई नहीं। क्यों मौका नहीं, कि सोवियत संघ की तो दोस्ती नहीं है किससे, इंडिया से, चाइना दोस्त है कि दुश्मन, 62 के बाद दुश्मन, मदद मिलने की संभावना किससे थी, अमेरिका से, 64 के बाद वो भी क्या हो चुकी है, खत्म। तो सही मौका है किस पर आक्रमण करने का, इंडिया का। अगर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान मिलकर आक्रमण करें तो कश्मीर आराम से हो जाएगा किसका, पाकिस्तान का। और मौके का फायदा उठाया अमेरिकियों ने, अमेरिकी जाकर कहते हैं पश्चिम पाकिस्तान को कि थोड़ी सी जमीन दे दो ताकि निगरानी रख सके सोवियत संघ पर, चीन पर, और बदले में हम तुम्हें टैंक देंगे, हथियार देंगे, किस पर आक्रमण करने के लिए, इंडिया पर। तो अब तो ये तो और अच्छा मौका है कि पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि हरा पाएंगे, अब तो अगर इनका समर्थन मिलेगा तो हराने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और 1965 के युद्ध को इसीलिए टैंकों का युद्ध कहते हैं बेटा, इस दौरान दुनिया का सबसे अत्याधुनिक टैंक निर्मित हुआ था, नाम था पैटर्न टैंक, और जो अमेरिकियों ने सौंपा किसको, पश्चिम पाकिस्तान को। क्लियर, इस पैटर्न टैंक को इन्होंने अमेरिकियों ने जब पाकिस्तान को सौंपा तो जनरल अयूब खान ने क्या किया, टैंकों को भारत की तरफ पलायन करना क्या कर दिया शुरू। उस समय हमारे पास भी इतने हथियार और तकनीकी नहीं थी कि टैंक को रोक पाएंगे, और हमारे लिए चुनौती क्या थी, ज्यादा थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, इसने एक चीज देखी कि 64 में तो खाद्य संकट, 65 में आक्रमण की तैयारी किस पर, भारत पर। तो सुना होगा एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, अर्थ क्या है कि इस संकट से दो ही लोग बचा सकते हैं, कि युद्ध से जवान बचाएगा और खाद्य संकट से किसान बचाएगा, पर पहले किसान की जवान, पहले जवान, है ना, क्योंकि जब जिंदा रहोगे तभी तो कुछ खाओगे,
तो चुनौती थी। इसलिए हमने क्या किया कि अब परिस्थितियां ढूंढ रहे हैं, दुनिया में कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। आज तक तो किसी से दोस्ती की नहीं, दुश्मन बेवजह पैदा कर लिए हैं, तो फिर मदद की संभावना नहीं थी। अयूब खां की सेना कश्मीर की तरफ बढ़ी तो इस आदमी ने खुद के दिमाग का प्रयोग किया, कश्मीर से सेना को पीछे हटाना क्या कर दिया, शुरू। और जब पीछे हटाया तो जनरल अयूब खां को लगता है कि अहंकारी तो वैसे ही था, तो उसको लगता है कि सेना भाग रही है और कश्मीर किसका हो रहा है, पश्चिम भाग। खुशी खुशी उसने और सेना तब्दील करा दी किसके अंदर, कश्मीर के अंदर। और जनरल अयूब खां की इस हरकत के बाद भारत ने राजस्थान, पंजाब और गुजरात के माध्यम से सेना प्रवेश करा दी, कहां, पश्चिम पाकिस्तान में। उधर कश्मीर वश्मीर कब्जा करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि आखिरकार सपना पूरा हुआ और कश्मीर किसका हुआ, पाकिस्तान का। तो इधर लाहौर पुलिस स्टेशन से फोन गया और कहा लाहौर पुलिस स्टेशन भारतीय सेना के कब्जे में है, बता देना क्या करना है। दोनों को लग रहा है दोनों जीत गए हैं, है ना, दुनिया ने टिप्पणी की दो गंजे लोग कंगे के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अर्थ क्या है कि उन्होंने कश्मीर खोया है, तुमने लाहौर खोया है ना, आधा पाकिस्तान खोकर तुम्हें कश्मीर मिला है और तुम्हें अपना सर खोकर क्या मिला है, आधा पाकिस्तान मिला है ना। हम तो युद्ध करना चाहते थे कि नहीं, मजबूरी का खेल था, है ना। और जब मजबूरी का था तो एक छोटी सी दिक्कत हुई, वो दिक्कत क्या है जरा देखो, ये जो पेटन टैंक अमेरिकियों ने दिया था, इस पर क्या किया कि एक मुस्लिम सैनिक था भारतीय सेना के अंदर उत्तर प्रदेश का, इसने इसकी कमजोरी ढूंढी, एक भाग ऐसा है जिस पर निरंतर गोली मारो तो गोली मारने से टैंक उड़ रहा था। आप ये कहानी थोड़ी क्या है, दुनिया को सेट नहीं होती, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि हाथी जैसी कहानी को अगर चींटी खत्म कर दे तो विश्वास लायक थोड़ी है कि टैंक पर गोली मारो टैंक उड़ रहा है। और जब ये बात भारतीय सेना में फैली तो उनमें उत्साह बढ़ गया, उन्होंने टैंकों को चुन चुन कर गोलियां मारना शुरू किया। और उसके बाद जब टैंक उड़ने लगे तो दुनिया में जो बदनाम हुआ वो कौन, अमेरिका, और जो मुस्कुराया वो कौन। तो फिर इन्होंने एक धमकी और दी, कहा वो मिसाइल इधर उधर वाला सब गेम था, हमें समझ आ रहा है ना, जब तुम्हारे टैंक गोलियों से उड़ रहे हैं तो मुझे पता है मिसाइल उड़ेगी नहीं तुम्हारी कभी भी। जो बदनाम हुआ वो कौन, अमेरिका। और दुनिया का अत्याधुनिक टैंक बता कर दिया था, हम यहां से तुरंत जो भाग जाते हैं वो कौन, अमेरिकी। और जो अकेला पड़ जाता है वो कौन, अयूब खां। अब ये युद्ध जितना चलेगा उतना ही सोवियत संघ को फायदा है कि नुकसान, हाँ नुकसान, क्योंकि देखो क्या है कि जितना युद्ध चलेगा उतना ही अमेरिकियों का हस्तक्षेप रहेगा, और अमेरिकियों का हस्तक्षेप रहेगा तो किसके लिए है, सोवियत संघ के लिए। अगर युद्ध खत्म हो जाए तो फिर अमेरिकी भागेंगे, तो सोवियत संघ को फायदा है कि नुकसान, फायदा है, तो भगाने में फायदा है। तो जब अमेरिकी दूर होने लगे तो जनरल अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया सोवियत संघ ने कि देखो इस संकट से अगर निकलना है तो हम ही निकाल सकते हैं, तुम युद्ध जारी रखना चाहते हो कि खत्म करना चाहते हो। इधर से जवाब मिला कि हमने तो पहले 11 रुपए का प्रसाद बोल रखा है कब युद्ध खत्म हो, हम तो युद्ध खत्म करने को तैयार है। जनरल अयूब खां को बिठाया गया और कहा गया देख ऑप्शन दो ही है, पहला ऑप्शन तो क्या है, पूरा पाकिस्तान खत्म करवा लो, और दूसरा ऑप्शन है कि जितना पहले था वैसा वापस पा लो। दोनों को ताशकंद बुलाया जाता है, और जब ताशकंद बुलाया जाता है तो दोनों से समझौता होता है कि पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा, भारत अपनी सेना हटा लेगा, और जो युद्ध से पहले की स्थिति थी उसी में तब्दील हो जाएंगे, दोनों कोई किसी के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, आर्मी को रिस्टोर कर लेंगे। हम तैयार थे क्योंकि हमने तो मजबूरी में युद्ध लड़ा था, हमने कहा हम इस शांति के साथ समझौते को स्वीकार करते हैं। और जब समझौते पर हस्ताक्षर हुआ तो दुनिया के सामने यही फैसला हुआ था कि कोई हारा नहीं कोई जीता नहीं। पर एक दिक्कत होगी, वो दिक्कत क्या है कि अयूब खां क्या है, भावनाओं में बह गया था बेटा ना, और इसने जब संधि पर साइन किया तो इसने एक चीज कही, कहा मैंने दुनिया में बहुत दिमाग देखे, दुनिया में बहुत शक्तियां देखी हैं, और दुनिया में दिमाग कभी भी सैन्य क्षेत्र के आदमी के पास माना जाता है नागरिक क्षेत्र। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे तुम अभी सपोज करो पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते करते देखना 12 महीने में दिमाग अपने आप विकसित होना क्या होगा, शुरू होगा। और अगर तुम्हें मैं 12 महीने केवल हथियारों के बारे में पढ़ाऊं तो किसके बारे में विकसित होगा, हथियार के बारे में। तो माना जाता है कि सुरक्षा के मामले में सैन्य अधिकारी तो सक्षम हो सकता है, वो तो रणनीति बना सकता है, नागरिक क्षेत्र के आदमी ने दुनिया को झटका दे दिया, बिना प्रत्यक्ष युद्ध लड़े युद्ध जीत लिया, और वो कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। समझौता साइन करने के बाद क्या कहा कि वास्तव में इस आदमी ने मेरा दिल जीत लिया और ये वास्तव में युद्ध जीतने का भाग्यदार है, हमें और क्या चाहिए था।
तब से वो लाइन पकड़ रखी है कि 1965 का युद्ध कौन जीता, हम जीते। और अब आप खुद सोचो, हम थोड़ी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि युद्ध और दिल दोनों जीत गए हो, तब से हमने इस कहानी को कर लिया। जैसे ही समझौता साइन हुआ, जिस आदमी की मृत्यु हो गई वो कौन है, लाल। समझौता साइन करने के चंद घंटों बाद ही और ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। कारण कहा जाता है कि हार्ट अटैक आया था, ठीक है। आज तक इस पर शोध चल रहा है। हार्ट अटैक दो ही चीजों में आता है बेटा, या तो अत्यधिक खुशी हो, है ना, या अत्यधिक क्या हो, दुख हो। हमें क्या था, खुशी किस चीज की थी, अंतरात्मा तो जानती है ना भाई। तुम खुद सोचो कि तुम एग्जाम में फेल हुए, गुरुजी ने क्या किया कि रिश्वत लेकर तुम्हें जैसे तैसे पास कर दिया ना, तो खुशी तो तुम्हारे माँ बाप को हो सकती है, तुम्हें थोड़ी होगी। तुम्हें तो पता है, अंतरात्मा तो बता ही रही है कि क्या किया है क्या नहीं किया है ना। सरकार तो जानती थी कि हम युद्ध जीते नहीं है, ये तो माहौल के लिए हो सकता है। पर दिक्कत क्या थी जरा देखो, एक साम्यवादी आदमी कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि एक लोकतांत्रिक इतनी मजबूत पकड़ रखता हो। इसके मारने के पीछे जो राष्ट्र था वो कौन था, सोवियत संघ। वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक लोकतांत्रिक आदमी में इतना दिमाग हो सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध लड़कर इतनी बुरे तरीके से हालात को नाजुक कर सकते। आज तक यही कारण है कि सोवियत संघ की पहली शर्त रखी गई थी 1971 में कि आज कसम खा लेना, आज के बाद कभी भी इस आदमी की हत्या की या मृत्यु की जांच नहीं होगी। अगर कोई सबूत मांगोगे तो सोवियत संघ 100% नहीं देगा और संबंध तोड़ देगा। सारी दुनिया जानती है कि इनका खेल है। बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो जो खुद नहीं चाहती थी कि पंडित नेहरू के अलावा कोई प्रसिद्ध हो, वरना खुद देखो कि जो उसने किया और जो इन्होंने किया, इसमें रात दिन का फर्क है। और दुनिया में वर्चस्व किसका होना चाहिए, इसी आदमी का होना चाहिए। पर आप किताबों में पढ़ोगे इसका प्रभुत्व कम मिलेगा और उनका प्रभुत्व क्या मिलेगा, ज्यादा। उनको हर जगह ऐसा दिखाया जाएगा कि वो जैसे विशेषज्ञ थे, और आगे पढ़ोगे देश बर्बाद करने में अहम योगदान उन्हीं का था, ठीक है। तो ये सब इसलिए किया गया कि राजनीतिक मुद्दा था, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। 1965 के युद्ध में जैसे तैसे कर बचकर निकला वो राष्ट्र कौन था, भारत था, क्लियर है। उसके बाद भी हमने हथियारों को विकसित नहीं किया, तो अचानक एक घटना होती है। वो घटना देखो क्या है कि 1967 में डियागो ग्रासिया द्वीप पर अमेरिका क्या करता है, हिंद महासागर में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करता है। एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, ऊपर कौन है, चाइना, और तीनों को निमंत्रण देता है इस भारत पर आक्रमण करने का, और कहता है कि तीनों तीन तरफ से करो, फिर दुनिया के नक्शे में काम होगा। ये पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी भाग तो किसका होगा, चीन का, और एक नाम और होगा बीच में, नाम होगा मध्य पाकिस्तान ना। तो आज तुम आरएस नहीं दे रहे होते ना, ठीक है, किसी बलूचिस्तान सिविल सेवा के भाग होते, ठीक है। तो ये जो मध्य पाकिस्तान है ये बनेगा, और ये जो दक्षिण भारत है ये किसके कब्जे में आ जाएगा, अमेरिका के। सपना तो अच्छा था, और हमारी हालात भी क्या थी कि 65 में हारने के बाद हम सदमे से बाहर आए नहीं थे अभी, ठीक है। ना तो हमने कोई सेना बनाई, ना कुछ और किया, अभी तो समीक्षा ही चल रही थी कि क्या कारणों से हम हारे थे, ठीक है। ऐसे में हमारी भी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। 62 में गलती से बचे, 65 में गलती से बचे, है ना। दुनिया के सामने जो भी माहौल हो कि जीते हो हारे हो अलग बात है ना। अब 67 में एक नई आफत और आ गई है, और इस बार आफत यह है कि दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, वो कौन है, भारत है ना। तब जाकर हमने कठोर निर्णय लिया, यहां तक कि निर्णय को कहते हैं विचारवादी। विचारवादी का तात्पर्य क्या होता है कि मैं अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार चलूं। तुम्हारे सबके हाथ में AK-47, सब एक दूसरे पर गोलियां तानते हो, उसके बाद गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे शांत प्रिय आदमी हो, तुम्हें मैं फूल बांटता हूं ना, तो तुम क्या कहोगे, गुरुजी कौन से हैं, विचारवादी, ठीक है। अब गांधी वांधी बनने का सपना थोड़ी है, तुम्हारे हाथ में AK-47 है, तो कम से कम व्यवहार क्या कहता है कि मेरे पास भी बंदूक होनी चाहिए तुम्हारा सामना करने के लिए, ठीक है। ऐसे में इस विचारवादी निर्णय को हमने खत्म किया और एक व्यवहारवादी निर्णय लिया। हमने तुरंत सोवियत संघ के साथ संधि की। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि एक राष्ट्र जो खुद पीछे हट गया वो कौन है, चीन। चीन ने कहा कि हम तुम्हारा पूरा गेम जानते हैं, आधा क्षेत्र हमें दोगे, आधा इनको, आधा इनको, नीचे वाला तुम रखोगे, और यहां बैठकर कब्र खोदोगे किसके लिए, हमारे लिए, है ना, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने जब नजरअंदाज कर दिया, ये दोनों तो वैसे ही तैयार रहते हैं हमेशा, है ना, तो ये दोनों तैयार थे, और जब ये तैयार थे तो हमने 1971 में संधि की किसके साथ में, सोवियत संघ के साथ। अब एक संकट था, इसीलिए कहते हैं कि बोलने में दुनिया में एक्सपर्ट केवल एक ही आदमी मिलेगा, वो कौन है, भारत, है ना।
एक संकट था कि भारत पर आक्रमण होता है अगर अमेरिका के नेतृत्व में, तो फायदा था किसको? सोवियत संघ। कैसा फायदा? एक लोकतांत्रिक दूसरे लोकतांत्रिक पर आक्रमण कर रहा है तो पूरी दुनिया में खुलकर बताएंगे कि हमसे अच्छा कोई नहीं, क्योंकि देखो लोकतांत्रिक तो लोकतांत्रिक पर क्या कर रहा है? आक्रमण। और दुनिया जीत जाएगा वो कौन? सोवियत संघ। तो वो चाहते थे आक्रमण हो कि नहीं हो। जब हमने इनको समझाया कि जितना होने में फायदा है उतना नहीं होने में फायदा है, तो कहा कैसे? पहली चीज तो देखो, जब तुम युद्ध रोक दोगे तो अमेरिका शक्तिशाली हुआ कि सोवियत संघ? सोवियत संघ, है ना। ये चार मिलकर आए थे हमारे लिए, तुमने अकेले ने समेट दी कहानी। दुनिया के लिए प्रभाव किसका होगा? सोवियत संघ का, यही होगा। ताशकंद में तुमने दोस्ती निभाई, आगे इसको बढ़ाओगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर विश्वास कम करेगी कि ज्यादा? ज्यादा। और एक लोकतांत्रिक को अगर एक साम्यवादी बचाता है तो फिर बड़ा कौन हुआ? साम्यवादी। तो बचाने में ज्यादा फायदा है। जैसे तैसे कर तेल लगाकर जीवन को बचाया, और सोवियत संघ वालों ने कहा कि भारत पर हमला, सोवियत संघ पर हमला। पश्चिम पाकिस्तान वालों के दिमाग से चला गया वो क्या है? हमला। हमला रीजन क्या है कि अगर पैदल मार्च पर सेना निकल आए तो हालात नाजुक कर सकते थे उस दौरान, किसकी? पश्चिम। ये जितने भी सुनते हो, जितने भी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब किसके भाग थे? सोवियत संघ के। तो बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र था, अगर आक्रमण कर दे तो पश्चिम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से क्या हो जाता? गायब हो जाता। और जब गायब हो जाता तो फिर अगला मुद्दा किसका था? एक बचा था, वो कौन सा है? ईस्ट पाकिस्तान। ये जब बांग्लादेश पढ़ाया था बता ही दिया था किसको किस तरीके से समेटा। अब इन चीजों को क्या करना, घर जाकर गूगल वूगल सर्च मारना, यूट्यूब पर आगे पढ़ोगे। जुल्फिकार भुट्टो उस दौरान प्रधानमंत्री था, कहां का? पाकिस्तान का। इसकी सर्च करना, वीडियो मिलेगी तुम्हें ना। भाव तो ऐसे खा रहा था जैसे दुनिया में हमने कुछ गलत किया हो ना। यूएनओ में खुलेआम धमकी देता है कि मैं किसी भी निर्णय को नहीं मानता। यूएनओ ने क्या किया है कि जबरन भारत के इशारों पर हमारे ऊपर आक्रमण करवाया है, ये करवाया है, वो करवाया है, बहुत सी चीजें कही थी। कारण क्या है कि पश्चिम पाकिस्तान को डराया किसने था? सोवियत संघ ने, है ना। और अमेरिकी दूर हट गए थे, अमेरिकी खुद आक्रमण नहीं कर सकते थे किस पर? भारत पर। क्योंकि एक लोकतांत्रिक अगर दूसरे लोकतांत्रिक पर करता तो प्रत्यक्ष तौर पर तो चुनौती पैदा होती, दुनिया में जो जीत जाता वो कौन सा था? साम्यवाद। 71 की कहानियां आगे कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो तो पूछो।